लास्ट हमने ये एक तो टॉपिक कवर कर लिया था बॉर्डर बॉर्डर एंड एम्प्टी सेल्स। मैं एक ही, अरे नहीं भाई जूम करूँगा मैं, सब दिखेगा। ये लो ये। वो असल में आप अभी थोड़ी देर में आपको सब दिखने लगेगा, आँखें बंदेगी ना एडजस्ट होती हैं लाइटिंग के हिसाब से, तो थोड़ी देर में आपको इंशाल्लाह ये सब दिखेगा। अच्छा जी, ये हमने देख लिया गैप बिटवीन सेल्स, ये हमने कवर कर लिया था। अरे ये तो बहुत, ये वाला हमने लास्ट यहाँ तक छोड़ा था, क्या किया था किसी को याद है क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट? अच्छा तो कौन सा हम चैप्टर पढ़ रहे थे फिर? अच्छा यहाँ से स्टार्ट करना था हमें। अच्छा टैक्स इनपुट जो होते हैं ना, वो ज़ाहिर है एक नॉर्मल बॉक्स से थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, सही है ना? एक नॉर्मल बॉक्स जो होता है ना, एक डिव होता है जो, उसमें विर्थ हाइट होती है जस्ट, और बॉर्डर पैडिंग और मार्जिन, ये तीनों चीज़ें होती हैं, ठीक है? बॉर्डर को ज़रा गोल गोल भी कर लेते हैं आप समटाइम। अच्छा उसके अंदर क्या नज़र आ रहा है? दैट इज़ अनदर बॉक्स। तो यहाँ तो डिव की कहानी तो यहाँ तक हो जाती ख़त्म, लेकिन टैक्स बॉक्स की जब बात आती है ना, तो कहानी यहाँ से थोड़ी सी और आगे तक जाती है कि एक बॉक्स तो होता है इनपुट बॉक्स, CSS के हिसाब से हर चीज़ को एक बॉक्स के तौर पर देख रहा होता है, तो एज अ CSS की मद्देनज़र से वो इनपुट बॉक्स एक बॉक्स तो होता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? कर्सर भी आ रहा होता है, और उसमें कुछ लिखो तो लिखा भी जा रहा होता है, ठीक है? तो इनपुट बॉक्स के केस में अगर हम बात करें तो सिर्फ बॉक्स की विर्थ और हाइट मैटर नहीं करती है, बल्कि उसके अंदर लिखे जाने वाले टेक्स्ट के ऊपर भी स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं आप। तो इसमें जो स्टाइलिंग लगेगी ना, वो दोनों वाली लगेगी। इनपुट बॉक्स एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके ऊपर स्टाइलिंग दोनों की अप्लाई होगी, डिव वाली भी इसकी विर्थ हाइट और बॉर्डर गोल वाल करने के लिए, और उसके अंदर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है ना, उसके ऊपर पैराग्राफ वाली सारी चीज़ें अप्लाई होंगी। अच्छा तो यहाँ पे इसने किया क्या है, एक एग्जांपल बनाई है, और एक एग्जांपल बना के ना, ये इस तरह की कुछ एग्जांपल है ये, और उसका कोड यहाँ पे शेयर कर दिया। क्या क्या किया हुआ इन्होंने ज़रा देखते जाएं। अब यहाँ पे इनपुट बॉक्स के ऊपर फॉन्ट साइज़ इन्होंने लिखा है 120%। व्हाट डज इट मीन 120%? कौन बताएगा मुझे कि क्या होता है फॉन्ट साइज़ में? वन हंड्रेड ट्वेंटी परसेंट अगर मैं लिखता हूँ फॉन्ट का साइज़, तो इसका क्या मतलब है? हम पढ़ चुके हैं पहले ये फॉन्ट साइज़, और साइज़ इटसेल्फ भी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नहीं कितने 22 पिक्सल कैसे? सोलह पिक्सल का जो 120 बनेगा वो कितना बनेगा? वो तो बनेगा शायद, पता नहीं 18 या 19 बनेगा, 18 बनेगा शायद, ठीक है? तो आप ये कह रहे हैं कि 18 पिक्सल, यानी 16 पिक्सल का 120%। हाँ भाई सही कह रहे हैं ये। कितने लोग इनकी बात से एग्री करेंगे आप में से? 100% जो 16 पिक्सल होता है, तो ये बोलो ना, मैं एग्री कर रहा हूँ इनकी बात से, ये बोलो ना एग्री कर रहे हो तुम? नहीं, जो उन्होंने जो मेजर बात की है कि 120%। अच्छा क्यों 16 से ऊपर होगी? 116 पे होता है, ये सब एग्री कर रहे हैं। हाँ तो सही है ना, 116 होता है, बिल्कुल सही है। तो ये जो 120% जब हम फॉन्ट साइज़ बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि बॉडी का इस वक्त जो भी टेक्स्ट का साइज़ है उसका 120%, और बॉडी का 16 पिक्सल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और अगर बॉडी का किसी भी वजह से मैं बढ़ाता हूँ या कम करता हूँ तो ये उससे रिलेटिव है, ठीक है? उसके साथ साथ कलर, आप सब लोगों को पता है कलर क्या होता है, फोरग्राउंड कलर होता है, तो ये क्या करेगा? उसका कलर चेंज कर देगा, जो किसका कलर? टेक्स्ट का कलर, ठीक है? उसका यानी जो इनपुट बॉक्स इटसेल्फ है उसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, जो लिखा जाने वाला टेक्स्ट है। अच्छा फिर बैकग्राउंड कलर जो है ना, वो इनपुट बॉक्स का जो डब्बा है
एक इनपुट बॉक्स एक जस्ट लाइक अ विंडो ना, कि बीच में आप लिख रहे होते हो तो वो पूरी विंडो का कलर ये चेंज करेगा। बॉर्डर आप सब लोगों को पता है, इनपुट बॉक्स के सराउंडिंग में जो बॉर्डर है, इनपुट बॉक्स के सराउंडिंग में एक बॉर्डर पहले से लगा हुआ होता है, ठीक है। इनपुट बॉक्स जब आप लिखते हैं तो वो एक रेक्टेंगुलर एक शेप बनी हुई जो आती है, दैट इज़ एक्चुअली अ बॉर्डर। तो वो बॉर्डर पहले से होता है, जस्ट इसने क्या किया, बॉर्डर का स्टाइल और कलर चेंज किया, ठीक है। वो बॉर्डर शायद इनसाइड या आउटसाइड होता है जो पहले से लगा हुआ होता है। इसने क्या बोला है भाई, प्लेन सॉलिड। बॉर्डर रेडियस आप सब लोगों को पता है, बॉर्डर रेडियस से क्या हुआ है, ये जो साइडों से हल्का हल्का गोल हो गया ना, ये बॉर्डर रेडियस की वजह से हुआ है। पैडिंग आपको पता है, ठीक है, पैडिंग अगर एक डिव पे लगाते हैं हम तो क्या करता है वो, डिव अपने कंटेंट के ऊपर टाइट होता है बाय डिफॉल्ट, थोड़ा सा अपने कंटेंट से वो दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी ये क्या होगा कि अंदर लिखे गए टेक्स्ट से थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, अब मेरा ख्याल है इसमें और कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो हमने पहले कवर ना की हो, ये सारा कुछ ऑलमोस्ट वही है। हवर फोकस के ऊपर, अच्छा हाँ, ये कौन सा है, रिपीट बैकग्राउंड, रिपीट में नो रिपीट इसने जो लगाया है, इसने असल में बैकग्राउंड के ऊपर कहीं पिक्चर लगाई होगी शायद, कहाँ लगाई है इसने, हाँ ये इमेज लगाई है ना इसने, ये इनपुट पे ही इसने इमेज लगाई है, लेकिन इनपुट वो वाला जिसके ऊपर ईमेल की आईडी लगी हुई है उसके ऊपर इसने एक इमेज लगाई है, सही है। अभी इमेज पे हम आते हैं, लेकिन पहले ज़रा हम देख लें, हाँ हाँ हाँ, पूरे बैकग्राउंड पे लगाते हैं, पूरे बैकग्राउंड पे, बिल्कुल। अच्छा, तो जब इमेज हम लगाते हैं ना, इमेज जब हम बाय डिफ़ॉल्ट लगाते हैं किसी के भी, जैसे एक डिव थी भाई 300 पिक्सल भाई 300 पिक्सल की एक डिव थी, उसमें मैंने एक बैकग्राउंड इमेज लगाई, तो वो बैकग्राउंड इमेज अगर 300 पिक्सल की तो है पूरी की पूरी, तब तो वो फिट हो जाएगी पूरी, लेकिन अगर वो इमेजिन करें 40 पिक्सल की है वो, तो 300 पिक्सल के बड़े बॉक्स में जो 40 पिक्सल की छोटी इमेज को अगर मैंने एज अ बैकग्राउंड लगा दिया तो वो क्या होगी, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर जाकर दिखना शुरू हो जाएगी मुझे, यानी स्क्रीन जो भी वो, जैसे मिसाल के तौर पे इमेजिन करें कि ये पूरा बॉक्स है, ये इतना बड़ा बॉक्स है पूरा, इस पे मैंने अगर कोई छोटी पिक्चर लगाई ना तो वो टॉप लेफ्ट पे जाके खड़ी हो जाएगी। तो असल में यहाँ पे यही हुआ, वो इमेज जो हो गई है, हाँ वो इमेज टॉप लेफ्ट पे जाके खड़ी हो गई है, ठीक है। तो अच्छा, अब वो टॉप लेफ्ट पे तो खड़ी हो गई इमेज, लेकिन इसमें रिपीट की स्ट्रैटेजी होती है। अगर मैं इमेज रिपीट के अंदर बोलूँगा ना टाइल, ठीक है, तो टाइल में क्या होगा कि यहाँ पे एक है अगली टाइल और एक और टाइल और एक और टाइल आ जाएगी, जैसे हम किचन में टाइल लगाते हैं ना, एक ही इमेज की सारी होती है, वैसे बन जाएगी ये, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँगा स्ट्रेच फिट फिल, वो सारी स्ट्रैटेजी आप देख चुके हैं इमेज वाले चैप्टर के अंदर। तो वो इसने बोला भाई नो रिपीट, नो रिपीट की वजह से हुआ क्या कि वो एक ही नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर जो पैडिंग इसने दिया ना, पैडिंग की वजह से क्या हुआ है, वो इमेज ज़रा ऊपर और नीचे से ज़रा दब के बराबर हो गई, ठीक है, और तो उसने कुछ नहीं दिया। हाँ, साथ में इसने एक बात, सॉरी, पैडिंग से तो बैकग्राउंड इमेज को फ़र्क नहीं पड़ता, पैडिंग से बैकग्राउंड इमेज को फ़र्क नहीं पड़ता, पैडिंग तो वो फोरग्राउंड की चीज़ों के लिए होता है। इसने दिया बैकग्राउंड पोजीशन। बैकग्राउंड पोजीशन क्या बताता है कि जी बैकग्राउंड जो है ना कहाँ से शुरू हो। अच्छा, इसमें भी चार पोजीशंस होती हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, लेकिन इसने दो दिया, तो दो का मतलब क्या है कि एक पहला वाला टॉप और बॉटम है और दूसरा वाला लेफ्ट और राइट है, ठीक है। लेफ्ट और राइट तो नहीं, सिर्फ इसमें लेफ्ट पे ही अप्लाई होगा क्योंकि राइट पे तो पूरा ही खाली है वो, तो ये जब ही दीवारों से थोड़ा थोड़ा साइड पे हुई भी है, तो ये किसी भी डिव के ऊपर आप अगर बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं उस पर ये चीज़ें अप्लाई आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया। डिस्प्ले ब्लॉक करने का रीज़न क्या था, वैसे तो इनपुट बॉक्स बाई डिफ़ॉल्ट ही डिस्प्ले ब्लॉक होता है, इनपुट बॉक्स जो होता है ब्लॉक ब्लॉक नहीं होता, वो इनलाइन होता है, क्योंकि इनपुट बॉक्स में मुझे बीआर लगाना पड़ता है। अगर एक इनपुट बॉक्स लिखता हूँ, अगर मैं बीआर ना लगाऊं तो उसी लाइन में आ जाता है वो, है ना, तो इसका मतलब है वो बाई डिफ़ॉल्ट इनलाइन होता है। अच्छा, तो ब्लॉक इसने क्यों किया, ब्लॉक इसने क्यों किया कि एक लाइन में एक इनपुट बॉक्स है। ये काम बीआर से भी किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने बोला यार हम ब्लॉक से करते हैं। दोनों तरीका मेरे हिसाब से सही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मार्जिन बॉटम दिया है। ये मार्जिन बॉटम किस पे दिया है, इनपुट बॉक्स के ऊपर। मार्जिन बॉटम यानी कि वैसे ही ना, अपने नीचे वाले को ज़रा इसने दूर कर दिया, ठीक है। ये ईमेल वाला जो है अपने नीचे वाले को धक्का मार रहा है, फिर ये ट्विटर अपने नीचे वाले को धक्का मार रहा है, और ये वेबसाइट वाला जो है इसके भी नीचे मार्जिन है लेकिन वो दिख नहीं रहा क्योंकि उसके नीचे मज़ीद कोई कंटेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, इमेज इनपुट पे जब फोकस हो जाए तो फोकस होने पे बैकग्राउंड कलर एक मुख्तलिफ लगाया है। वैसे बैकग्राउंड कलर मुख्तलिफ है लेकिन फोकस होगा तो एक मुख्तलिफ आ जाएगा। बॉर्डर जो है उसका कलर भी मुख्तलिफ हो जाएगा। नॉर्मल में बॉर्डर का कलर कुछ और था, फोकस होने पर बॉर्डर का कलर मुख्तलिफ हो जाएगा, सही है। तो ये सारा कुछ इन्होंने किया हुआ है, इसको आप अपने हाथ से करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक एक प्रॉपर्टी को यहाँ पे इन्होंने डिफ़ाइन भी किया हुआ है, जैसे कि बैकग्राउंड पोजीशन जो है
कहाँ चला गया, बैकग्राउंड पोजीशन कहाँ चला गया, ये रहा, बैकग्राउंड पोजीशन या साइड पे कहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कहीं पे भी नहीं किया हुआ। ये तो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, और बैकग्राउंड पोजीशन इन्होंने यहाँ नहीं बताया, ये बैकग्राउंड पोजीशन को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन वैसे भी अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी इसमें से समझना है, मिसाल के तौर पे मुझे अगर बैकग्राउंड पोजीशन वाली प्रॉपर्टी समझ नहीं आ रही तो मैं क्या बोलूँगा, बैकग्राउंड पोजीशन CSS, और मेरे पास ये ना MDN का लिंक आ गया। अब यहाँ पे मैं आके देख सकता हूँ कि जी ये बैकग्राउंड इमेज करता क्या है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ एक लाइन के अंदर, द बैकग्राउंड पोजीशन CSS प्रॉपर्टी सेट्स द इनिशियल पोजीशन ऑफ ईच बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इसमें अगर सिंगल वैल्यू देंगे तो ये टॉप समझता है उसको, सॉरी अच्छा इसमें मैं टॉप लेफ्ट सेंटर भी बता सकता हूँ। मिसाल के तौर पे जैसे बैकग्राउंड इमेज बाय डिफ़ॉल्ट शुरू होती है लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से होती है, तो वो मैं यहाँ पर से चेंज कर सकता हूँ। मैं बता नहीं टॉप राइट कॉर्नर से हो तो मैं उसको ये कर सकता हूँ, या मैं उसको क्या कर सकता हूँ पिक्सल में जो है वो उस बॉक्स का कोई कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ, यार इस पिक्सल से शुरू हो जाओ, ठीक है। ये टॉप वाला हमने कभी किया नहीं है, मैं हमेशा पिक्सल वाला देखा है मैंने, ठीक है। वेल तो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि जी इसको ना अगर कीवर्ड वाली वैल्यू देनी है तो टॉप बॉटम ऐसे करके दे सकते हैं, और परसेंटेज में देनी है तो ऐसे दे सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में देनी है, अच्छा जैसे हम पिक्सल में देते हैं, REM में देते हैं ना, इसी तरह सेंटीमीटर भी एक यूनिट है जो CSS में देते हैं, लेकिन ज़रा इसको हम अवॉइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि पिक्सल और REM के अंदर काम करें। परसेंटेज भी यूज़ होता है लेकिन ये CM वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं, कोशिश करते हैं इसको हम अवॉइड करें, ठीक है। इसी तरीके से देखें आप पिक्सल में भी बताया है, इन्होंने बोला मिक्स भी हो सकता है कि भाई बॉटम दे दो एक पे और एक पे पिक्सल लगा दो आप, ठीक है। तो ये सारे इसके अंदर जो है ना ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ के अंदर ना इन्होंने पूरा मेंशन किया हुआ है कि जी अगर आप उसको कीवर्ड सेंटर करके बोलते हो तो उसकी उसको पूरा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू अगर हम देते हैं तो वो पूरा यहाँ पर डिफ़ाइन किया हुआ है इन्होंने। इसको आप पढ़ते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आती जाएंगी, ठीक है। ये मैं जस्ट इन केस आपको बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझना है, वैसे तो मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जब अपने हाथ से आप करेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर यहाँ पे आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आपकी नज़र हमेशा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे होनी चाहिए। जो MDN का जो डॉक्यूमेंट है जो मैं अक्सर खोल के दिखाता हूँ, ये इस वक्त ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के करीब करीब समझा जाता है, ठीक है। वैसे तो ये ऑफिशियल नहीं है, मोज़िला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र है, उन्होंने ये लिखा है, ठीक है। उन्होंने मतलब पता नहीं अपने लिए लिखा है किसके लिए, लेकिन उन्होंने लिखा है ये डॉक्यूमेंट, ठीक है। लेकिन इसको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के तौर पे कंसिडर किया जाता है और बहुत ऑथेंटिक है वो डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, सबमिट बटन को अगर स्टाइल करना हो तो हम कैसे करेंगे। अब आप देखें कि इतना सारा CSS इसके ऊपर इन्होंने लगा दिया है, इस एक बटन के ऊपर, ठीक है। अच्छा, इस CSS में कोई बहुत ज़्यादा तोप चीज़ नहीं है, अगर आप इसको करीब से देख के पढ़ना शुरू करेंगे तो एक कलर लगा हुआ है, टेक्स्ट का कलर, यानी कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है उसमें कलर क्या होगा, टेक्स्ट शेडो। अब टेक्स्ट जो लिखा हुआ है उसमें हल्का सा शेडो अप्लाई किया है उन्होंने, कि टेक्स्ट प्लेन नहीं है। अगर आप इस बटन को यहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं दिख रहा है वैसे ये, लेकिन जब इस कोड को आप लिखेंगे ना अपने PC में और इसको जब रेंडर करेंगे आप, तो इस बटन के टेक्स्ट के ऊपर जो है ना हल्का सा एक तरफ शेडो आ रहा होगा, ठीक है, इस कोड की वजह से। अच्छा, और हाँ, और नहीं नहीं टेक्स्ट शेडो बोलते हैं साए को, छाँव जो, क्या परछाई जो होती है, ठीक है। और टेक्स्ट शेडो में क्या है, ज़ीरो पिक्सल, टॉप बॉटम ऑफसेट है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उससे कितना ऊपर या कितना नीचे बनेगा, ये यही है ना। सेकंड वाला जो है वो लेफ्ट राइट का ऑफसेट है, एक पिक्सल इन्होंने बनाया है लेफ्ट की राइट की तरफ, यानी जहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उससे एक पिक्सल राइट पे उसका शेडो बन रहा होगा, और उसके बाद क्या होता है, एक पिक्सल उसका वो होता है ब्लर, कि कितना ब्लर करना है, क्योंकि शेडो बिल्कुल शार्प बने या थोड़ा ब्लर बने, है ना। अगर लाइट बहुत तेज़ होती है और बिल्कुल सामने होती है लाइट तो शेडो बहुत शार्प बनता है, लेकिन अभी मेरा आप अगर वैसे हाथ करूँ दीवार पे तो मेरा जो शेडो दीवार पे बन रहा है वो ब्लर है, थोड़ा सा ब्लर इन्होंने 1 पिक्सल का ऐड किया, ठीक है, और साथ में कलर दिया। तो ये टेक्स्ट किसी और कलर का है, शेडो किसी और कलर का है, देखें आप दोनों का कलर थोड़ा सा चेंज है। अच्छा, कौन सा कलर है ये जो कलर का कोड है, कौन बताएगा मुझे कि कौन सा कलर है,
कलर कोड देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि ये कौन सा कलर है। हाँ भाई ऑफ वाइट। हाँ भाई बिल्कुल डार्क ब्लैक। अच्छा बेटा, ये हेयर बैंड लगाने से ना ऐसे बंदा ऐसे बड़ा नहीं हो जाता। बड़े होने के लिए बहुत और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें अकल भी एक शामिल है चीज़, और जिसमें जो है ना थोड़ी सी क्या उसको कहते हैं कि मेमोराइज तो करना वैसा कोई चीज़ नहीं होती, हाथ से कभी प्रैक्टिस करोगे तो मेमोराइज हो जाती हैं चीज़ें खुद ही। ठीक है, तो जब बंदा बड़ा हो जाता है ना उसको बहुत सारी चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ती हैं। मिसाल के तौर पे कि 1,00,000 में कितने ज़ीरो होते हैं, ये मेमोराइज़ करना बहुत ज़रूरी है। हाँ तो फिर ये पता होना चाहिए आपको कि ये क्या है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि मैंने बताया था क्लास में, ये मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि ये FF का क्या मतलब है। व्हाट इसका मतलब क्या है जल्दी बताओ। रेड कैसे हो सकता है ये? हाँ भाई FF का क्या मतलब है? कलर तो चलो आपने बता दिया कि ऑफ वाइट है ये, हालांकि ऑफ वाइट नहीं है ये, कुछ और कलर है, लेकिन FF का मतलब है क्या जी? शेर खान साहब ये मैंने बताया था कि ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। ठीक है, हेक्साडेसिमल के अंदर होता है जो पहले दो डिजिट होते हैं वो रेड के लिए होते हैं, उसके बाद दो डिजिट होते हैं वो ब्लू के लिए होते हैं, और उसके बाद के दो डिजिट ग्रीन के लिए होते हैं। तो रेड ब्लू और ग्रीन है। अच्छा ये दो डिजिट ये क्या लिखा हुआ है FF हेक्साडेसिमल में? FF का क्या मतलब होता है? हेक्साडेसिमल में जो गिनती होती है उसमें 0, 1, 2, 3, 4 से लेके 9 तक, और 9 के बाद ABCDEFGH EF F तक होता है। ठीक है, F का मतलब होता है 16। सही है, तो ये FF का मतलब होता है 255। FF का मतलब होता है 255 हेक्साडेसिमल के अंदर। हाँ नहीं ना, तो F के बाद आता है फिर 10। 10 का मतलब होता है 17 हेक्साडेसिमल में। ठीक है, 11 का मतलब होता है 18। ये मैंने पूरी क्लास में डिस्कशन की थी, बड़ी लंबी छोड़ी। ठीक है, तो FF का मतलब था 255। तो इसमें रेड की वैल्यू क्या है? 255। ब्लू की वैल्यू क्या है? 255। और ग्रीन की वैल्यू भी क्या है? 255। ऐसा ही है, निकालो मोबाइल और लिखो कि हेक्साडेसिमल 2 डेसिमल 255। अरे भाई 255 है। अच्छा, तीनों कलर को अगर मैं RGB की वैल्यू में अगर तीनों कलर को मैं फुल कर दूं, यानी इसकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 255 तक है ना, तीनों कलर को अगर मैं फुल कर दूं तो क्या बनता है? वाइट बनता है। सही है, तीनों कलर को अगर मैं फुल कर दूं तो ये कम्प्लीटली वाइट बनता है, और अगर मैं तीनों कलर को 0-0 कर दूं तो कम्प्लीटली ब्लैक बनता है। और इसके दरमियान में जो सारी वेरिएशन है, कितनी वेरिएशन है RGB में, इसके अंदर कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? ये तीन वेरिएबल है ना जो रेड ब्लू ग्रीन, अगर 0 से लेकर 255 तक करें तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं ये भी बताएं। 16 मिलियन कलर बनते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कुछ बातें एटलीस्ट याद हैं। अब कौन मुझे बताएगा किसका क्या मतलब है? 4-4 हुआ भाई। हाँ भाई कौन मुझे बताएगा कि 4-4 का क्या मतलब है? देखो IQ की बात है ये, जिसका IQ अच्छा होगा वो, अभी मैंने पूरी बात समझा दी है, वेरीफाई कर रहा हूँ मैं जस्ट कि समझ आई है कि नहीं आई। IQ अच्छा होगा तो आप फौरन कैलकुलेट करोगे। बताओ, देखो 0 से लेके F तक होता है ना, 0 से लेके F तक होता है, तो 0 से लेके F तक 16 डिजिट्स बनते हैं, तो ये 4 है। सही है, 0 से लेके 4 कितने बने? पर अगर मिसाल के तौर पे ये 255 है, 0 to 16 का रेशो अगर बनाओगे, तो अगर ये 255 है तो ये क्या होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? ट्वेंटी फाइव होना चाहिए ना, 12 4, 8, 12, 16 4, 4 16 होता है ना। हाँ, तो जो 4 जो होता है वो 16 का क्या हुआ? 25% हुआ ना, तो ये एक्चुअली 25% है।
25% रेड, 25% ब्लू, जी ग्रीन, उसके बाद 25% ब्लू। अब ये 25% अगर तीनों कलर को मिलाया जाए तो क्या बनता है? ऑलमोस्ट ब्लैक बनेगा ये, सही है। ऑलमोस्ट ब्लैक इसलिए बनेगा कि जब तक सारे कलर 50-50% नहीं हो जाते ना, जब तक कोई कलर निकल के नहीं आता वो ऑलमोस्ट ब्लैक ही रहता है, ठीक है। अब ये कलर जो है ना, नीचे आप इसको देख भी सकते हैं, इसका रिजल्ट कि कुछ इस तरह का बनेगा ये, ठीक है, शेड ऑफ ग्रे बना है काइंड ऑफ ये। तो जब तक सारे कलर 50-50% नहीं हो जाते ना, एटलीस्ट कोई कलर निकल के नहीं आता, सारा का सारा वो ऑलमोस्ट ब्लैक ही दिख रहा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और भी आप रूल ऑफ थंब बना लें कि अगर कोई भी ऐसा कलर होगा ना जिसमें तीनों बिल्कुल इक्वल होंगे, तो वो ग्रे का ही कोई ना कोई शेड होगा। अगर ये 50-50% भी हो जाए, मिसाल के तौर पे जैसे 8 और 8 16 होते हैं ना, अगर ये 4 की जगह मैं 8 8 कर दूँ, 8 8 कर दूँ सारा, तो क्या होगा कि 50% रेड, 50% ग्रीन और 50% ब्लू, तो ये कौन सा कलर बनेगा? ये भी ग्रे का ही कोई शेड बनेगा, लेकिन वो लाइटर शेड होगा, ऑलमोस्ट ब्लैक नहीं होगा, वो लाइटर शेड होगा वो। हाँ, अगर मैं इसको सारे को जैसे कि FF किया हुआ ना इसने, मैं FF की जगह क्या कर दूँ, 1 कम कर दूँ जस्ट, तो वाइट सा थोड़ा सा कम बनेगा। तो यानी अगर सारे कलर एक जैसे हो ना, तीनों की वैल्यू इक्वल हो, तो वो क्या करता है, वो कैंसिल आउट कर देता है, वो किसी और तरफ जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारे कलर जोड़ने से वाइट बनते हैं, सारे हटा दो तो ब्लैक बनते हैं, तो वो उसी स्ट्रीम में रहेगा, तो शेड ऑफ ग्रे और ब्लैक भी चलेगा वो। अगर मुझे कोई भी दूसरा कलर दिखाना है, यानी ग्रे स्केल के अलावा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वेरिएशन को चेंज करना पड़ेगा, किसी एक कलर को कम या ज़्यादा करना होगा। क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर मुझे रेड कलर को थोड़ा सा बढ़ाना है, तो मुझे इन बाकी दोनों को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, सही है। थोड़ा सा कम करूँगा तो रेड ऊपर आएगा, अदरवाइज़ वो कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों कलर मिल के। तो ये भी एक रूल ऑफ थंब है, आपको मैंने बता दिया। वेल, तो इस सबमिट के बटन पे इन्होंने कलर लगाया, टेक्स्ट शेडो लगाया, बॉर्डर बॉटम लगाया, ठीक है। इस बटन के ऊपर सिर्फ बॉटम के ऊपर एक लकीर आ रही, बाकियों पे लकीर नहीं आ रही। बैकग्राउंड कलर लगाया, अच्छा आ जाते हैं नीचे, ज़रा देखते हैं बॉर्डर बॉटम जो है ना, ये देखें आप, अरे बॉर्डर बॉटम तो आया, तो ये ऊपर क्यों दिख रहा है? बॉर्डर बॉटम पर 2 पिक्सल दिखना चाहिए, शायद इन्होंने यहाँ पे लगाने में कोई मिस्टेक कर दी है, लेकिन एक्चुअली जब आप इस बटन को लगाएंगे ना, तो आपको बॉटम के ऊपर जो है ना, जो है वो 2 पिक्सल का नीचे बॉर्डर नज़र आना चाहिए, और बाकी साइडों पे 1-1 पिक्सल का आना चाहिए। अच्छा, फिर उन्होंने जो बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है ना, वो 1 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा और 4 दफ़ा लगाई है। अब ये 4 दफ़ा इन्होंने क्यों लगाई है? बैकग्राउंड के अगेंस्ट इन्होंने लगाया है ग्रेडियंट। अच्छा, ग्रेडियंट का जो फंक्शन है ना, वो डिफरेंट ब्राउजर्स में डिफरेंट के नाम से, ठीक है, एक है वेबकिट ग्रेडियंट, एक है मॉज लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है, एक है ओ लीनियर ग्रेडियंट, और एक है MS लीनियर ग्रेडियंट। ये 4 अलग अलग ब्राउज़र में ना 4 अलग अलग नाम से चल रहा है। जैसा कि जब मैंने अभी हमने जावास्क्रिप्ट शुरू नहीं किया, जावास्क्रिप्ट जब हम शुरू करेंगे तो हमें इसकी जब हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हमें पता लगेगा कि पहले, आज से कुछ अरसे पहले तक, ये CSS और HTML और जावास्क्रिप्ट, ये हर ब्राउज़र के लिए एंटायरली अलग अलग थी। अगर मैंने अपना जो वेबसाइट है, अगर वो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के लिए बनाया है, तो वो किसी दूसरे ब्राउज़र में वो नहीं चलती थी, या अगर खुलती भी थी तो ब्रोकन खुलती थी पूरी ऊपर से नीचे तक, ठीक है। या मैंने अगर गूगल क्रोम के लिए बनाया है, तो वो किसी और दूसरे में नहीं चलता था। तो ये जब ES5 आई है ना हमारे पास, तो ES5 में आके ये चीज़ें थोड़ी सी स्टैंडर्डाइज हुई हैं कि जी अब वो तमाम ब्राउज़र के ऊपर जावास्क्रिप्ट भी एक जैसी चलती है, और CSS HTML भी एक जैसी चलती है। HTML में भी ये 4 में गालबन ये हुआ था, HTML 4 में जाके ना इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर लिया था, उससे पहले जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अलग अलग थी सारी। अच्छा, लेकिन स्टिल 2023 के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर में चलती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने सिस्टम का मैक एड्रेस गेट करना है, तो वो सिर्फ इंटरनेट एक्सप्लोरर पर एक फंक्शन है, उसी से होता है। गूगल क्रोम के ऊपर ये चीज़ अलाउ नहीं करता गूगल क्रोम कि आप जावास्क्रिप्ट के थ्रू आप मैक एड्रेस गेट कर लें, ठीक है। प्रोसेसर की आईडी गेट करनी है अगर आपने,
तो गूगल क्रोम आपको ये अलाउ नहीं करता कि आप गूगल क्रोम की वेबसाइट के ऊपर रहते हुए प्रोसेसर की आईडी को गेट कर लेंगे, गूगल क्रोम अलाउ नहीं करता, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर अलाउ करता है। ठीक है, तो इस तरह की कुछ चीज़ें अभी भी हैं जो किसी खास ब्राउज़र में ही चलती है, दूसरे में नहीं चलती। अच्छा, मोज़िला फायरफॉक्स के अंदर कुछ ऐसी एक्सपेरिमेंटल चीज़ें जो सिर्फ उसी में चलती हैं, वेब असेंबली से रिलेटेड कुछ चीज़ें, वो भी ऐसा है कि गूगल क्रोम और फायरफॉक्स के अंदर ही चलती है, दूसरों में नहीं चलती है। ठीक है, जो दूसरे नए ब्राउज़र हैं, ओपेरा वगैरह में नहीं चलती वो। ठीक है, तो ये इन्होंने चार यहाँ पे बता दिया गया, यार इसी तरह लगेगा। तो इस वजह से ये CSS ना, इस चार प्रॉपर्टी की वजह से ये इतनी बड़ी सारी लग रही है CSS, अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा CSS नहीं है। फिर इसने कहा कि यार जब होवर हो ना इस पर, तो क्या हो, कलर चेंज हो जाए, बॉर्डर चेंज हो जाए, बॉर्डर टॉप 2 पिक्सल का हो जाए, बॉटम तो था ही 2 पिक्सल का, टॉप भी 2 पिक्सल का हो जाए। ठीक है, बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। अब देखें इन्होंने क्या किया, अलग अलग ज़रा वेरिएशन लगाई है। तो ये अलग अलग वेरिएशन लगाने की वजह से क्या होगा, अब ये कोई ग्रे और वाइट के अलावा कुछ कलर होगा ये। ठीक है, और वो क्या होगा वो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल इसकी वैल्यूज़ को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऑन अदर हैंड ये जो होगा ये क्या होगा, ये स्टिल ग्रे का कोई शेड होगा, क्योंकि तीनों एक जैसे कलर हैं। ठीक है, ये भी ग्रे का कोई शेड होगा, या तो ब्लैकिश होगा या तो वाइटिश होगा, लेकिन ग्रे का ही कोई शेड होगा। अच्छा जी, तो ये चार यहाँ पे भी वो लगे हुए ग्रेडियंट। अच्छा, तो ये इन्होंने एक बटन के ऊपर ना ये सारी चीज़ें अप्लाई करके बता दी। असल में इसका मकसद ये था, ये चार जो करके लगाया ना ये बताना मकसद था यहाँ पे। और बटन के ऊपर जो जो चीज़ें लग सकती हैं वो यहाँ पे आपने देख ली हैं, इसमें कोई ऐसी नई चीज़ थी नहीं, ये सारी चीज़ें पहले भी जिक्र हो चुकी हैं। तो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं मज़ीद। अच्छा, स्टाइलिंग फील्ड सेट एंड लेजेंड, हमने ये देखा था कि यार एक ना लेजेंड करके चीज़ होती है, यहाँ पे जो ना ऐसे लेबल की तरह लग जाती है वो, अगर फॉर्म हमारा बड़ा होता है तो इस लेजेंड के ज़रिए हम उसको डिवाइड कर लेते हैं 2 या 3 हिस्सों में। लेकिन अब जो ना इस लेजेंड का रिवाज ज़रा कम हो गया, इन्होंने यहाँ पे एक CSS लगाई है जिसको आपसे शेयर किया हुआ है, यहाँ पे इसका रिजल्ट भी दिखा रहा है और ये CSS शेयर किया हुआ है। लेकिन आमतौर पर अब हमें इस लेजेंड की ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि हम फॉर्म जो है ना रिलेटिवली अब बनाते ही छोटा है। अगर हमारा फॉर्म ज़रा बड़ा होने की अगर कोशिश करता है तो हम क्या करते हैं, उस फॉर्म को 2 या 3 पेजेस में डिवाइड कर देते हैं, नेक्स्ट का बटन बना देते हैं, तो हमें इसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ती आमतौर पर। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, अलाइनिंग फॉर्म कंट्रोल, अगर आपको फॉर्म आपने बनाया है और ये नेम आगे पीछे हुआ हुआ है, जेंडर आगे पीछे हुआ हुआ है, अगर आपको इसको अलाइन करना है, सीधी लाइन में लाना है, ठीक है, तो उसका यहाँ पे इन्होंने तरीका शेयर किया हुआ है कि जी ये इन्होंने प्रॉब्लम बताया था, यहाँ नीचे ये सॉल्यूशन बता रहे हैं उसको। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन इन्होंने ये जो बताया ये फ्लोट के ज़रिए बताया है। फ्लोट जो है अब इसको डिस्करेज किया जाता है, इसकी जगह हम फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर इस चीज़ को आपने अलाइन करना हो फ्लैक्स बॉक्स के ज़रिए, और अलाइन करके कैसा बनाना हो, अलाइन करके आपको ऐसा बनाना हो, यानी तीनों ये सेमी कॉलन एक लाइन में कर दिए आपने, तो आप क्या करेंगे, कैसे ये काम करेंगे, एक डिव बनाएंगे, एक डिव होगा जो मेरा कर्सर देखना, एक डिव ऐसे होगा यूं यूं और यूं, ये एक डिव होगा। ठीक है, और दूसरा डिव होगा ये इधर ऐसे 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 और ऐसे, दोनों डिव को मैं साइड बाय साइड लगाऊंगा, लेफ्ट और राइट लगाऊंगा फ्लैक्स बॉक्स के जरिए, तो ये काम हमारा अचीव हो जाएगा। एक मेन डिव तो होगा ऑब्वियसली, जो मेन डिव होगा हमारा वो फॉर्म का टैग होगा, फॉर्म का टैग होगा वो हमारा। ठीक है, अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि यार अगर तो मैंने ये अलग अलग काम किया तो मुझे नेम ईमेल जेंडर कोड में पहले लिखना पड़ेगा। भाई ऐसा ही होगा ना, कोडिंग इसकी कैसी होगी कि फॉर्म का टैग शुरू हुआ, पहला डिव होगा उसमें नेम ईमेल और जेंडर लिखा होगा, दैट्स इट। उसके बाद एक दूसरा डिव होगा उसमें सिर्फ 3 इनपुट बॉक्सेस होंगे, तो ये तो दिखने में तो ये आमने सामने दिख रहा है नेम और टेक्स्ट, लेकिन सिमेंटिकली उसको पता कैसे लगेगा कि ये इस वाले इनपुट बॉक्स का लेबल क्या है, कैसे पता लगेगा। भाई लेबल होता है ना, जैसे कोई हमने शुरू में देखा था कि कोई SEO जब हो रही होती है हमारी, जब गूगल का क्रॉलर आता है हमारी वेबसाइट पे, तो वो इस इनपुट बॉक्स को देखता है कि अच्छा ये इनपुट बॉक्स है और इसमें क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा, ये तो ये उसको कैसे पता लगेगा। ये उसको ऐसे पता लगेगा कि हम ये जो लगाएंगे ना नेम ईमेल जेंडर, ये जो टॉप पे हम एक अलग डिव में लगा रहे हैं, इसको हम लगाएंगे लेबल के टैग में, ठीक है, और लेबल के टैग में, और उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम, फॉर का जो होता है वो, उसमें फॉर में आईडी डालते हैं, याद है। इसमें शायद अगर इन्होंने HTML नहीं यहाँ पे शो किया, अगर HTML शो किया हुआ होता वेल वापस आ जाते हैं हम इधर ज़रा अपने कोड में, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने ये काम किया होगा फॉर्म्स,
फॉर्म के अंदर अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमने लेबल का इस्तेमाल ज़रूर किया होगा कहीं ना कहीं। ये रहा, ठीक है, लेबल, और इसमें फॉर लगा के मैंने एक आईडी दी है और इस इनपुट के ऊपर यही आईडी लगी हुई है। अब ये अभी तो फ़िलहाल सामने सामने है, लेकिन ये दोनों अगर अलग अलग डिव में होते, ये एक अलग डिव में और ये वाला मेरा एक अलग डिव में, तो स्टिल मेरे क्रॉलर को ये बात पता लग जाएगी कि ये क्या है। सही है, तो अभी हमारा जो इस वक्त सिचुएशन बनी है ना सीएसएस के अंदर, उसमें क्या होगा, हमारा ये तीन लेबल ऐसे होगा और तीन इनपुट ऐसे होगा, और इस डिव को लेफ्ट पे करेंगे, इस डिव को राइट पे करेंगे, और ये फॉर और आई, अभी तो मैंने तीनों का फॉर सेम रखा हुआ है ना, ज़ाहिर है अलग अलग होगा, ठीक है ना, एक एक आईडी तीन को नहीं दे सकते ना, एक ही को दे सकते हैं। तो ये क्या होगा, लेफ्ट और राइट होगा, साइड बाई साइड होगा, बट इस फॉर और इस आईडी के ज़रिए क्रॉलर को ये बात पता लग जाएगी कि कौन सा वाला लेबल किस इनपुट बॉक्स का है। ठीक है, वापस इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। असल में जब मैंने ये बात पढ़ाई थी ना, तो मैंने ये बात की थी कि अगर लेबल और इनपुट अभी तो साथ साथ हैं, लेकिन हमेशा ये साथ साथ नहीं रहेंगे, कभी ये बहुत दूर भी हो जाएंगे। हो सकता है कभी ये लेबल जो है वो कोड के बिल्कुल शुरू में हो और 200 लाइन क्रॉस करके फिर उसके बाद ये इनपुट हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन वो स्टिल ये फॉर और इनपुट आईडी को देख के पहचान जाएगा कि ये क्या सीन है। तो ये मैंने आपको ना अभी इसलिए रेफरेंस के तौर पर बताया कि ऐसा जो है वो कब होगा, वो इस सिचुएशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, एक और जो तरीका होता है लेबल लगाने का वो क्या होता है, वो ये होता है कि पूरा लेबल का हम टैग शुरू करते हैं और क्लोज करते हैं, उसके दरमियान में अंदर इनपुट लगाते हैं, लेबल के टैग के अंदर इनपुट लगाते हैं, तो उससे तो फिर आईडी की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो समझ जाता है अच्छा अंदर है एक ही है तो यही होगा, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में हमें ये ज़रूरत पड़ सकती है। कर्सर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास आ गई है। कर्सर आपने देखा होगा कि जैसे मैं इस वक्त जो मेरा कर्सर है वो क्या बना हुआ है, वो कुछ इस तरह का बना हुआ है, लेकिन ये कर्सर हमेशा ऐसा नहीं रहता, कभी ये कर्सर की बन जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ, ये की बन जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी लिंक पे लेके जाता हूँ, देखो लिंक पे लेकर गया हूँ ना मैं, तो ये ऐसा हाथ बन जाता है। अब ये क्या चीज़ है और ये क्यों हो रहा है, कौन बताएगा, वट इज़ दिस बिहेवियर, इस बिहेवियर के बारे में कुछ बताओ सब लोग, भाई डेली इंटरनेट के यूज़र हो तुम लोग। कर्सर, कर्सर स्टाइल की वजह से तो हो रहा है, लेकिन अभी तुम सी एस एस को भूल जाओ, अभी सी एस एस नहीं है, कर्सर इन द फर्स्ट प्लेस चेंज हो ही क्यों रहा है, कहीं पे की, कहीं पे हाथ, कहीं पे आई, क्यों बना, वैल्यू वैल्यू डिफाइन करने के लिए है कि भाई ये अभी आप इस जगह पर आ गए, तो ये पहले वाले से डिफरेंट चीज़ है। डेली इंटरनेट के यूज़र हो ना तुम लोग, और कंप्यूटर से भी वास्ता रहा है कहीं, किसी ना किसी दर्जे में आप सब लोगों का ना कंप्यूटर से कोई ना कोई रापता रहा है, किसी ने स्कूल के असाइनमेंट्स बनाए होंगे, किसी के जॉब में एक्सेल वैक्सेल यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती होगी, है ना, कि अगर कहीं एप्लीकेशन के लिए कोई लेटर प्रिंट करा होगा कहीं जॉब भेजने के लिए, कंप्यूटर के इस्तेमाल सब लोगों नहीं, खुद मैं ये, हाँ ये करेगा भी नहीं कभी कोई सवाल, ये भी सुन लो, ये सवाल करेगा नहीं कोई, लेकिन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप सॉफ्टवेयर बनाओगे, अब अभी थोड़े दिन पहले तक आपसे ये सवाल इसलिए नहीं किया किसी ने क्योंकि आप सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे थे, बने हुए सॉफ्टवेयर को, भाई एक्सेल जो है वो बना हुआ सॉफ्टवेयर है ना, आप जस्ट इस्तेमाल कर रहे थे उसको, अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, फोटोशॉप, जो भी यानी वेबसाइट्स जितनी भी आप अभी तक विज़िट करते रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह, वो बने हुए सॉफ्टवेयर हैं, आप जस्ट क्या करते थे उसको, यूज़ करते थे, लेकिन अब जब आप ख़ुद बनाओगे ना, तो फेसबुक में कहाँ पे कर्सर जाता है तो उसका हाथ बन जाना चाहिए ऐसे, कहाँ पे जाता है तो उसको जो है ना वेटिंग बन जाना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने बनाना है वो, तो लिंक जहाँ पर लगेगा वहाँ पर हाथ बन जाएगा, क्यों, जो भी लिंक या कोई भी बटन दिया वो इस तरह का बना देता है।
अच्छा पहले तो यार ये समझ लो कि कर्सर का जो स्टाइल है ना ये चेंज होता ही क्यों है, ठीक है। कर्सर का जो स्टाइल चेंज होता है ना वो यूज़र एक्सपीरियंस की वजह से होता है, ठीक है, यूज़र एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए होता है। इमेजेस, ठीक है। अच्छा ये जो कर्सर का स्टाइल है, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना ये वेरी करता है। विंडोज़ वर्सेस मैक में लिखूँगा ना तो देखो डिफरेंट आ जाएगा। अरे नहीं भाई इतना ज़्यादा, इतना डीप डिज़ाइन इसने बता दिया। सही है, ये वैसे ये भी डिज़ाइन का एक डिफरेंस है लेकिन इतना डीप नहीं चाहिए था हमें। मैं चाह रहा हूँ कि साइड बाय साइड ना, मुझे ये तो इसने मैक वाला दिखा रहा है ना, ये मैं चाह रहा हूँ साइड बाय साइड ना विंडोज़ का भी दिखाए और मैक का भी दिखाए। ये अच्छा वेल ये भाई बहुत सारी यहाँ पे जो है ना कर्सर के डिज़ाइन मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे पास विंडोज़ के कुछ मुझे नज़र आ रहे हैं और तकरीबन मैक के यहाँ पे तकरीबन सारे डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं मुझे। अब देखो सबसे पहला जो ये वाला कर्सर है ये तो आप सब लोगों को पता है कि क्या करता है, सही है। ये कर्सर जहाँ बना हुआ आ रहा हो ये क्या काम करता है? कभी नहीं आया। ये कर्सर जहाँ पे बना हुआ आता है इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ वो हेल्प दिखाएगा, हैं, हेल्प के लिए होता है। सही है, सही पहचान लिया इसने। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैक के अंदर ये वाला आता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई चीज़ ड्रैग की हुई है ना उसको अगर आप छोड़ेंगे यहाँ पे तो वो यहाँ पे कॉपी बनेगी उसकी, एक जहाँ पे है वहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे उसकी एक कॉपी बनेगी, समझ रहे हैं आप। अच्छा ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? क्रॉस भी मल्टीपल जगहों पे बना हुआ आता है लेकिन मैक में मेनली जो है वो क्रॉस कब बना हुआ आता है कि अगर आपने कोई चीज़ ड्रैग की हुई है और आप किसी जगह पर ड्रॉप करना चाह रहे हैं तो क्रॉस का मतलब होता है कि वहाँ ड्रॉप नहीं हो सकता, वहाँ छोड़ेंगे तो जहाँ था वहीं चला जाएगा। सही है, ऐसा ही होता है ना, अभी आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा। अच्छा इसका क्या मतलब है? ये जो चारों तरफ कर्सर बना हुआ आ रहा होता है ये विंडोज़ में भी आता है। असल में ज़रा यार विंडोज़ वाला निकाल लेते हैं ताकि आप लोग ज़रा रिलेट कर पाएँ। इसमें आप लोग ना मैं देख रहा हूँ रिलेट नहीं कर पा रहे। हाँ इसमें अब आप लोग रिलेट कर पाएंगे। अरे यार ये तो सारे क्यों नहीं खुल रहे? ये आ गया ना विंडोज़ 11 का। कोई क्लीन डॉक्यूमेंट कोई मिल जाए ना, अच्छा सा क्लीन डॉक्यूमेंट, वो नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है भाई, कोई क्लीन डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ये मोस्ट कॉमन है शायद जो आप सब लोगों ने देखे भी होंगे। ये वाले का क्या मतलब है और ये नीचे वाले का क्या मतलब है? ये इस ऊपर वाले पे और इस नीचे वाले में क्या डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल सही बताया, सही है। कोई ऐसी लोडिंग हो रही है कि अब आप क्लिक भी नहीं कर सकते यहाँ पर। यहाँ का मतलब है कि क्लिक हो जाएगा कुछ, मतलब लोडिंग हो रही है लेकिन स्टिल आपको दूसरा काम करना चाहें तो प्रोसेसर इतना बिजी नहीं चल रहा। इस वाले का क्या मतलब होता है? रिसाइज के लिए होता है ये, सही है। कोई चीज़ बड़ी या छोटी करनी हो, साइज़ उसका चेंज करना हो तो उसके लिए होता है। हाँ ये वाला जो है वो क्या करेगा? बॉटम यानी कॉर्नर से करेगा। हाँ और ये जो है ये वाला क्या करेगा? सिर्फ बॉटम से करेगा। और इसी तरह एक राइट वाला भी आता है या लेफ्ट वाला भी आता है इसमें, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन मार्क वाला हम देख चुके हैं। ये हाथ वाला जो है इसमें एक उंगली वाला हाथ और एक पूरे उस वाला हाथ। ओ क्या कर दिया मैंने, इस वाले हाथ में और इस वाले हाथ में क्या डिफरेंस है? ये ड्रैग ड्रॉप के लिए। ये जो उंगली है ना इसका मतलब है कि उंगली से आप इसको प्रेस कर सकते हैं, सही है, इसका मतलब ये। और जहाँ पे हाथ बना हुआ है ना वहाँ पे मतलब है कि पूरे हाथ से पकड़। ये इसको रिलेट पता है कहाँ से किया इन्होंने?
याद है मैंने यूआई समझाई थी, यूज़र इंटरफेस समझाया था। यूज़र इंटरफेस क्या होता है कि जैसे अब ये मेरे सामने एक ये मॉनिटर पड़ा हुआ है, इसमें छोटे छोटे बटन है ना, ये यूआई है, इसको मैं प्रेस करता हूँ बटन को हाथ से। एक होता है जीयूआई, इसी यूआई का ग्राफिकल इंटरफेस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे वीएलसी प्लेयर में भी इसी तरह के बटन है, छोटे छोटे गोल गोल, वीएलसी प्लेयर में भी होता है ना, लेकिन वो एक्चुअल बटन नहीं है, वो एक्चुअल बटन जैसे बटन बनाए गए हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सही है। अच्छा, तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इस बटन को जब मैं दबाता, असली बटन को, तो मैं कैसे दबाता? उंगली से दबाता ना। अच्छा, तो जब मैं ये इधर लेके जाऊँगा ना उसके कर्सर के ऊपर, तो मेरे पास ऐसी उंगली बनी हुई आनी चाहिए, ये वाली। तो उधर से इन्होंने रिलेट किया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर, वो ग्राफिकल हाथ भी दिखा दिया आपके। अच्छा, इसी तरह ये वाला जो हाथ है, अगर मुझे किसी चीज़ को पकड़ना है, मिसाल के तौर पर ये पेपर पड़ा हुआ है, इसको मुझे पकड़ना है और पकड़ के यहाँ रखना है, तो मैं पूरा हाथ इस्तेमाल करूँगा, उंगली से नहीं पकड़ सकता मैं। तो ये दोनों डिफरेंस है। और ये देखो पकड़ा हुआ भी आया हुआ है, जब आप पकड़ लेते हो ना तो ये ऐसे बंद सा हो जाता है। अच्छा, अब ये चक्कर क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ना ये चीज़ें बिल्टन, ऐसा लगता है आपको कि बिल्टन है, लेकिन वो बिल्टन कैसी, वो किसी ने बनाई है। सही है। जैसे आप देखो कि जो है ना, मैं जब इस पिक्चर के ऊपर हाथ लाता हूँ ना, है ना, तो ये हाथ बना हुआ जाता है। अब मैं इस पर क्या क्लिक करूँगा ना तो कुछ होगा, ये मैंने क्लिक कर दिया। सही है। इसी तरीके से जब देखो लिंक है ना यहाँ पे, इसका मतलब है कि ये क्लिकेबल चीज़ है। अच्छा, इससे मैं हटा लेता हूँ अगर, यानी फ़ोटो पे भी नहीं है, फ़ोटो से हटा लेता हूँ, तो ये कर्सर बना हुआ गया। अब इस कर्सर पे क्लिक व्लिक कुछ भी नहीं होगा, मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ इस वक्त, कुछ भी नहीं हो रहा। सही है, कर्सर पे क्लिक नहीं हो रहा ये। तो ये किसी ने तो बनाया है ना, ये हम जिस पे खड़े हैं इस वक्त, ये क्या है, google.com की वेबसाइट है। google.com के ऊपर ये खुद से थोड़ी हो रहा है, ऐसे मैं इधर कर रहा हूँ तो हाथ बना हुआ जा रहा है। इसको इस तरह से प्रोग्राम किया गया है, इस वजह से ये ऐसा हो रहा है। जी, ये इस वेबसाइट बनाने वाले ने किया है, google.com की जो वेबसाइट, जिसने ये वेब पेज बनाया ना, उसने काम किया ये। सही है, उसने ये काम किया। हाँ, अच्छा, अब अगर हम, ये हमारा पेज है, अब आ जाओ हमारे पेज के ऊपर। ठीक है, अब हमारे पेज पे अगर मैंने राइट क्लिक किया और कॉपी पाथ किया इसको, और कॉपी पाथ करके यहाँ पर खोल दिया, तो हमारे पेज में किस जगह पर हाथ बनवाना चाहिए, किस जगह पे जो है वो एरो बनवाना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मैं डिसाइड करूँगा। ठीक है। अच्छा, अभी कहीं पे भी इसको मैं लेके चला जाऊँ, ये एरो ही रहता है, ये नहीं चेंज होता। ये इसको हमने प्रोग्राम नहीं किया, क्योंकि ये हर जगह एरो ही रहेगा। अच्छा, लेकिन हाँ, अभी मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि ये ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एरो ही रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये खुद से चेंज भी होगा, और वो कौन सी चीज़ है, वो हम वापस आ जाते हैं। ये जो अभी फॉर्म्स खोला था ना मैंने, अब फॉर्म्स को अगर मैं खोलता हूँ यहाँ पे, तो आप देखें क्या होता है। फॉर्म्स वाले को मैंने ये खोल दिया, अब देखें क्या होता है कि जब मैं किसी फॉर्म के ऊपर लेके जाता हूँ ना इसको, तो ये क्या बन जाता है, आई बीम, इसको कहते हैं आई बीम, ये बन जाता है। ये मैंने प्रोग्राम नहीं किया, उसके बावजूद ये बन रहा है। ठीक है, क्योंकि ये किसने प्रोग्राम किया, ये HTML ने प्रोग्राम किया। HTML ने बोला, HTML का जब मैंने इनपुट बॉक्स लगाया, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि हर HTML के एलिमेंट पे ना कुछ स्टाइलिंग पहले से हुई भी होती है। जैसे कि H1 पे एक स्टाइल लगा होता है, 200% हो जाता है वो। ठीक है, इसी तरीके से जैसे इनपुट बॉक्स है, इसके ऊपर ये बॉर्डर पहले से लगा हुआ है ना, ये एक CSS की प्रॉपर्टी है जो पहले से इस पर लगा दी है HTML वालों ने। इसी तरीके से ये प्रॉपर्टी भी क्या किया है, HTML वालों ने लगा दिया, तो ये इस पर आती ही आई बीम बन जाता है। सही है, इससे हटाता हूँ तो एरो बन जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ इधर, तो यहाँ पे ये आई बीम नहीं बनता, हालांकि ये भी इनपुट में काउंट होता है ये भी बटन, लेकिन नहीं, हैंड नहीं बनना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे हैंड इसलिए नहीं बनना चाहिए क्योंकि ये कोई फिज़िकल बटन की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। रेडियो बटन कोई फिज़िकल चीज़ कभी भी नहीं होती, मतलब किसी VLC प्लेयर के अंदर क्या रेडियो बटन हो सकता था? VLC प्लेयर, वैसे जो हमारा पुराने ज़माने का VCR होता था, VCR प्लेयर, उसकी वो डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है ना, या CD प्लेयर की है। तो CD प्लेयर के अंदर जो बटन होते हैं, उसमें क्या रेडियो बटन हो सकता था? नहीं हो सकता था। सही है, तो इसलिए इसमें हाथ बनाना इन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। यानी ओवरऑल जितने भी रेडियो बटन है ना, किसी में हाथ बनावा नहीं आता, उस पर एरो बना हुआ आता है, क्योंकि ये कंप्यूटर बनने के बाद ये चीज़ें ईजाद हुई हैं, और कंप्यूटर किससे चलता है? एरो से चलता है। तो यार बस ज़रा डेप्थ डिज़ाइन की चीज़ें।
अच्छा इस पे भी इसका मतलब है नहीं बना पाएगा, ठीक है। अच्छा फिर अब वो हाथ किस पे बना पाएगा, हाथ उस पे बना पाएगा जहाँ पे इमेज होगी, ठीक है। वेल तो हमने ये सीखा कि यार HTML के ऊपर अगर हम ये प्रोग्रामिंग ना भी करें तो कुछ चीज़ों पे, बहुत ही कम चीज़ों पे, कुछ चीज़ों पे ये खुद से बना हुआ आ जाता है। जैसे कि हाथ बना हुआ आता है लिंक के ऊपर, लिंक लगा देते हैं यहाँ पे एक चुन्ना वन्ना सा भी। हाँ abc.com मैंने एक लिंक लगा दिया, मैंने कहा दिस इज अ लिंक एंड रिफ्रेश, ठीक है। लिंक के ऊपर जब मैं जाता हूँ ना तो वहाँ पे हाथ बना देता है ये, सही है। अब आप सोच रहे होंगे कि लिंक भी यार फिजिकल चीज़ पर तो लिंक भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन यार लिंक जब बटन के अंदर लिंक इस्तेमाल होता। अच्छा लिंक की ना एक फॉर्म, यानी लिंक तो चलो एक काफ़ी मुख्तलिफ चीज़ है, लेकिन लिंक के जैसी एक चीज़ ना फिज़िकली होती है किताबों के अंदर, वो क्या चीज़ होती है कोई बताएगा? इंडेक्स के ऊपर क्या करते हो, हाथ से क्लिक करते हो तो चले जाते हो उस पेज में, एक ऐसी चीज़ होती है बुक। हाँ नहीं ये तो, हाँ चलो तुमने भी बात सही की है कि इंडेक्स से पेज नंबर देखता हूँ मैं तो वो हाथ रख के देखता हूँ और फिर उस पर चला जाता हूँ, लेकिन एक बुक्स के अंदर जो है ना एक रियल चीज़ होती है जो लिंक के जैसी होती है, वो क्या होता है, वो टेलीफोन डायरेक्टरी में होती है, जो बड़ी वाली टेलीफोन डायरेक्टरी होती है, ठीक है, उसके अंदर होता है। उसमें हर पेज के जो है ना, हर पेज के कॉर्नर पर यहाँ पर टॉप के ऊपर ना एक नाम लिखा हुआ होता है, जैसे वो ABCD से होता है ना फॉलन डायरेक्टरी, वो लिखा हुआ होता है। तो आप क्या करते हैं, मैं अगर आपको दिखाऊँ ना कि टेलीफोन डायरेक्टरी कैसे दिखाऊंगा, उसमें नेम लाइन, अगर आप उसको टेलीफोन डायरेक्टरी को ना ऐसे बंद में तो नहीं दिखेगा ना बुक के अंदर, ज़रा टेढ़ा करके देखते हैं ना तो एक लकीर सी दिखती है वो, उस लकीर से जो है ना हमें पता लगता है। अब ये जो चीज़ है ना, ये वाली, ये जो देख रहे हो यहाँ लिखा हुआ है जो, अब यहाँ गौर से देखो, एक लकीर यहाँ दिख रही है, एक यहाँ दिख रही है और एक उसके नीचे दिख रही है, नोट कर रहे हो? तो इस पर मैं उंगली रख के अगर खोलूँगा ना तो यही वाला खुलेगा, कोई और नहीं खुलेगा, सही है। इसको पता नहीं क्या कहते हैं, इसको कुछ नाम तो होगा इसका ज़ाहिर है, ठीक है। टेलीफोन डायरेक्टरी जस्ट मैं लिखूँगा ना तो इस तरह की आ जाएंगी, ये देख रहे हैं आप, ये तो चलो इसने बंदे ने खुद से लगा दिया, लेकिन ऑफिसर्स में इनको टैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टैग्स, टैग्स बोलते हैं। हाँ नहीं टैग से तो नहीं आ रहा इसमें। वेल और एक और चीज़ होती है, फोन बुक में लिखूँगा ना तो उसमें भी एक चीज़ होती है जिस पर आप हाथ रखते हैं और हाथ रख के उस पेज पे जाते हैं बकायदा, फोन बुक, पर्सनल फोन बुक, फोन बुक, फोन बुक में क्या होता है, हाँ ये आ गया ना। अब अगर मुझे मिसाल के तौर पे रहीम का फ़ोन नंबर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, मैं आर पे उंगली रखता हूँ और बुक को यूँ खोलता हूँ तो वो सीधा आर वाले पे जाता है। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ लिंक जो रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता है, तो मे बी शायद लिंक पे इस वजह से ना ये हाथ बना के दिखाता हूँ, ठीक है। लेकिन स्टिल दिस इज़ अ डिज़ाइन लेसन, है ना। अगर आपने ये चीज़ सर्च करनी हो कि यार किस चीज़ पे जो कर्सर बना हुआ है वो कौन सा बना हुआ था और क्यों बना हुआ था, तो ये डिज़ाइन वाली चीज़ है, ये डिज़ाइनर डिसाइड करते हैं कि किस पे क्या दिखाना है। अच्छा हम एज अ डेवलपर हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, उसको देखते हुए हम उस पर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अच्छा अगर नहीं समझ आता कि किस पे क्या करना है तो जो बनी हुई वेबसाइट है उससे ज़रा देख लेते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे देखो, अगर गूगल इमेजेस के ऊपर अगर कोई ऐसी इमेज है जिस पे क्लिक होता है तो उस पे हाथ बना हुआ आता है, लेकिन अगर कोई ऐसी इमेज है जिस पे क्लिक नहीं होता, जैसे कि गूगल इटसेल्फ, नहीं इस पे भी तो क्लिक होता है ना, ऐसी इसमें ऐसी कौन सी इमेज है जिस पे क्लिक नहीं होगा, ऐसी कोई इमेज नहीं है इस पेज पे जिस पे क्लिक ना हो। ऐसी जो है इस पेज पे कोई इमेज नहीं है जिस पे क्लिक ना हो तो नहीं, बैकग्राउंड इमेज पे तो खैर कर्सर ही बना हुआ आता है सिंपल सा। तो वेल
अब ये समझ आ गया कि ये कर्सर के स्टाइल का चक्कर है क्या। अब ये देख लेते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाके मैं बोलूँगा कर्सर, और कर्सर के आगे क्या लगा दूँगा मैं, कर्सर का नाम लगा दूँगा। अच्छा, अब मैंने लिखा मूव, मूव के अलावा मैं ये सारे भी आइटम लिख सकता था। अच्छा, अगर मैं मूव लिखूँगा तो ये कौन सा मूव बना पाएगा, ज़रा देख लेते हैं कि कौन सा मूव बना पाएगा। सही है, आ जाते हैं कर्सर स्टाइल्स, यहाँ पे एक ना डिजिटल ओशियन वालों का एक आर्टिकल था बड़ा अच्छा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने ना तमाम की लिस्ट बनाई हुई है कि जी ऑटो पे वो खुद ही डिसाइड करता है कि किधर जाना है। ठीक है, उसके अलावा देखो लिंक कर्सर पे आप ऐसे हाथ रखो, ये बता रहा है कि ये ऐसा होगा। ठीक है, स्क्रॉल कर्सर, ये स्क्रॉल पे कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, हर कर्सर का नाम और उसके साथ जो है ना उस पर क्या दिखेगा वो यहाँ शो हो रहा होता है। ठीक है, अच्छा वेट देखो, अगर मैंने लगाया ना वेट, तो मैक पे मुझे ये वेट ऐसा दिख रहा है ना, विंडोज़ पे मुझे कैसा दिखेगा, विंडोज़ पे जैसा वो होता है विंडोज़ का वैसा दिखेगा। सही है, अच्छा मैं इस वक्त क्योंकि मैक मशीन पे हूँ, जब आप इसको चलाएंगे ना तो आपको ये वेट जो विंडोज़ वाला दिखेगा, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि यार कि कौन सा वेट, मैंने जस्ट बोला वेट। ठीक है, अच्छा तो ये जो प्री डिफाइंड है ना, ये सारे ये आपको देखें, क्रॉस हेयर, क्रॉस हेयर ये ऐसा है, क्रॉस बना हुआ आ रहा है। ठीक है, सेल ऐसा आ रहा है इसके ऊपर। ठीक है, उसके अलावा टेक्स्ट के ऊपर देखें आई बीम ये बना हुआ आ रहा है। ठीक है, वर्टिकल टेक्स्ट के ऊपर ये ऐसा बना हुआ आ रहा है। अब जो लगा दूंगा मैं कर्सर करके वो लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप के ऊपर ये ना एलियस कॉपी है ना, कॉपी का मतलब छोड़ूंगा वो कॉपी बनेगी। सही है, मूव, मूव के अलावा नो ड्रॉप है ना, नीचे क्रॉस बना हुआ आ रहा है। ठीक है, नॉट अलाउड है ना, जूम कर सर कि क्लिक करूँगा तो जूम, हाँ अभी लगा के दिखा देता हूँ, अभी लगा के दिखा देता हूँ। सही है, जूम इन जूम आउट ये हो गया, ग्रैब ग्रैबिंग। अच्छा तो ये सारे ना प्री डिफाइंड हैं, हर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये सारे कर्सर के स्टाइल पहले से बने हुए होते हैं, लेकिन मैक के अंदर ज़रा लोडिंग थोड़ी मुख्तलिफ होगी और विंडोज़ के अंदर लोडिंग थोड़ी मुख्तलिफ होगी। इवन विंडोज़ के अंदर भी जो है वो लोडिंग का जो कर्सर है वो विंडोज़ के डिफरेंट वर्जन में डिफरेंट होगा। जैसे कि अगर आप विंडोज़ 98 में बात करें तो वेटिंग में एक टाइम वो बना हुआ था, टाइम पीस। ठीक है, वेट कर्सर इन विंडोज़ 98 to 2023। ठीक है, अब इसमें ना ये सब लोगों ने यहाँ पे बताया होगा कि पहले क्या था और अब क्या हो गया। ठीक है, विथ टाइम ये ना इन्होंने चेंज किया है। क्या चीज़, हाँ हाँ बिल्कुल मिलते हैं, अब तो इसको एज अ शोपीस रखते हैं लोग। सही है, ये कुछ इस तरह से था, पहले ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया और अब ऐसा हो गया। ये चार इसके आपको ना दिख गए यहाँ पे, चार जनरेशन्स। हाँ हाँ, यहाँ पे इन्होंने वो पूरी लिस्ट नहीं दिखाई भी कहीं पे, मैंने एक जगह देखी थी वो पूरी लिस्ट थी, वो बड़ा अच्छा सा उन्होंने पोर्ट्रे किया हुआ था। ठीक है, लेकिन स्टिल आप देखें कि जो है ना पहले ऐसी घड़ी बनी भी आती थी ये वाली देखी किसी ने घड़ी, मैंने भी नहीं देखी, मैंने फर्स्ट टाइम ये वाला देखा है। ठीक है, और इसमें भी चेंज आया है, विंडोज़ 7 के अंदर ऐसा होता था थोड़ा, विंडोज़ 10 में फिर उसको ब्लू कर दिया इन्होंने ना, सी ग्रीन था पहले, ब्लू कर दिया उसके बाद, और ये इन फ्यूचर भी इसको चेंज करते रहेंगे। अच्छा तो हमें जो है ना जस्ट इसका नाम लिखना है, वो दिखेगा कैसा वो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले डिसाइड करते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम ये वेरी करता है जी। ये सब जो आपने बताया कि ये दिखेगा कैसा, हाँ हाँ, ये दिखेगा कैसा का मतलब है कि जैसे वेट वाला कर सकता ना, मैं वापस वेट वाले पे जाता हूँ, अगर मैंने वेट लगाया ना तो ये मैक में ऐसा दिखेगा, और विंडोज़ में ये विंडोज़ का वेट था वैसा दिखेगा। जो भी वर्जन होगा विंडोज़ का, अगर 98 है तो बट्टा दिखेगा, और अगर विंडोज़ 10 है तो वो गोल वाला जो आजकल चल रहा है उसमें वो दिखेगा। वेट का लोगो आ गया, हम जस्ट ये बता दें, हाँ ये कहाँ, वो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा खुद।
ये एनिमेशन, ये सारा वेट और ये कैसा दिख रहा है ये एनिमेशन, ये डिसाइड करता है। गलत प्रोग्राम होते हैं, हम पता नहीं दे सकते ना, मतलब अभी अभी उस पर आते हैं, अभी उस पर आते हैं, अभी उस पर आते हैं, जो आप कह रहे हैं ना उस पर हम आते हैं। तो अब हमें सबसे पहली चीज़ ना, एज ए डेवलपर हमने क्या करनी है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि किस के ऊपर कर्सर कैसा दिखना चाहिए। ये पहली चीज़ है और ये एज ए डेवलपर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसको अच्छा, फिर वो कर्सर दिखेगा कैसा, ऑपरेटिंग सिस्टम टू ऑपरेटिंग सिस्टम जो वेरी करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो ये गोल घूमने वाला बनाया है ना जिसने भी, वो डिज़ाइनर ने बनाया है और वो उसका मसला है, वो हमारा मसला नहीं है। अच्छा, लेकिन सम टाइम क्या होता है, सम टाइम कि हमें इसको भी चेंज करना पड़ सकता है, एज अ यूज़र भी और एज अ डेवलपर भी। एज अ यूज़र तो इसको चेंज करने के लिए हम जाएंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के सेटिंग में, मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये लगा के दिया ना मुझे मैक वालों ने या विंडोज़ वालों ने, ये मुझे उन्होंने लगा के दिए। मैंने कहा यार ये कौन होते हैं डिसाइड करने वाले, मैं बताऊँगा कि मेरा वेट का कर्सर कैसा होगा। एज अ यूज़र तो मैं सेटिंग में जाऊँगा और वहाँ जाके एक वो बोलता है PNG इमेज दे दो मुझे, तो वो दिखना शुरू हो जाएगी। अब उसमें मैं कोई दरख्त दे दूँ, वेट में दरख्त बना हुआ ऐसे हिलता हुआ, तो वो मेरी मर्जी है, मैं उसको जिफ इमेज या PNG इमेज दूंगा, ले लेगा वो और मेरे पास वो दिखने लग जाएगा। लेकिन एज अ डेवलपर, ये तो एक यूज़र के लिए हुआ ना, एज अ डेवलपर ये काम नहीं करेगा। अच्छा, एज अ डेवलपर एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया कि जी मैं नाम लिख दूंगा यहाँ, ठीक है, और ये सारे नाम अवेलेबल है मेरे पास, ये सारे नाम कैसे दिखेंगे वो हमने देख लिया। लास्ट में आप यहाँ पे देखें कि एक URL करके ना cursor.gif भी लगाया हुआ है इसमें। तो मैं क्या कर सकता हूँ, कर्सर के आगे बजाय नाम लिखने के मैं एक इमेज का URL भी दे सकता हूँ। अच्छा, इमेज का URL जब मैं दूंगा तो मुझे ये कैसा दिखेगा, जो भी इमेज होगी ना, अच्छा इसमें यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं है इन्होंने, लेकिन बहरहाल जो भी इमेज होगी ना वो मुझे दिख जाएगी। अच्छा, आ जाते हैं और दोनों को एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। सही है, दोनों को एक्सपेरिमेंट करके देखने के लिए मैं इस वाले को बंद कर देता हूँ और यहाँ पर आके ये जो मेरा कार्ड है, ये जो कार्ड है मेरे पास, सही है, ये इसको मैं खोल भी लेता हूँ राइट क्लिक करके कॉपी पाथ। ठीक है, ये जो मेरा कार्ड है जिसके ऊपर मैंने ग्रेडियंट लगाया हुआ है, एक्चुअली मैं आता हूँ और बेहतर कहता हूँ भाई इस कार्ड के ऊपर जो है ना मुझे कर्सर जो मुझे दिखाना है ना इसके ऊपर आपने, वो क्या दिखाना है, वेट मिसाल के तौर पर, ठीक है, वेट। तो अब मेरा जब भी कर्सर उस पूरे डब्बे पे जाएगा ना, यानी कि कौन से डब्बे पे, यानी कि इस वाले डब्बे पे, तो वो कर्सर मुझे कैसा शो होना शुरू हो जाएगा, मुझे वेट वाला कर्सर शो होना, रिफ्रेश नहीं किया मैंने, हाँ वेट वाला हो गया, बाहर निकाला सही हो गया, इधर लगाया वेट हो गया। अच्छा, वेट के अलावा भी क्या किया मेरे पास अवेलेबल, मैंने कहा कि मेरे पास टेक्स्ट शो करा दो, यानी IBM जो बना हुआ आता है टेक्स्ट में, मैंने लगा दिया। अब देखो मैं रिफ्रेश करूँगा, अरे हो जाए रिफ्रेश, हाँ IBM बना हुआ आ रहा है। तो मैं वो जो एग्जिस्टिंग थे ना, जो जितने भी प्री डिफाइंड, उनमें से कोई एक सेलेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार मैं बिल्कुल क्या करूँ, कस्टम करूँ। तो मैं यहाँ पे से आता हूँ और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, उठा के मैं कहता हूँ कि यार वो सही है, स्नाइपर राइफल का मैंने बोला यार ये उठाओ आप क्रॉस हेयर, और मैंने कहा ये लाओ अब यहाँ पे मार्केट में, हाँ भाई सही नहीं है, नीचे वाला सही है, ये वाला, ये वाला और नीचे, ये इसके साथ, ये वाला, ये चलो भाई इसके कहने पे हम ये वाला लगाते हैं, सही है। अच्छा, ये है कौन सा, PNG, अबे PNG नहीं है ये। अच्छा चलो, इसकी वेबसाइट से विज़िट करके ना, ये कह रहा है PNG अंदर से देंगे हम आपको, PNG लेने के लिए, हाँ नहीं नहीं ये PNG दे रहा है मुझे, कह रहा है यहाँ से ना डाउनलोड करोगे तो PNG देंगे हम, क्या हुआ, अच्छा अच्छा कर रहा है अभी, क्लिक अल्फाबेट्स, कौन सा अल्फाबेट्स, अच्छा क्लिक PA, अच्छा P, देख रहे हो इसने क्या बनाया हुआ है कर्सर, ये बनाया हुआ है इसने, ठीक है, P के बाद A, उसके बाद Y और उसके बाद L, चल मेरा भाई, ठीक है डाउनलोड कर दिया इसने ये। अब जैसे ही इसने डाउनलोड किया, मैं इसको ओपन करता हूँ और मेरे पास कुछ इस तरह की PNG इमेज आ चुकी है, ठीक है। इस PNG इमेज को मैं क्या करता हूँ, उठा के अपने उसमें ले आता हूँ VS Code में, ऑब्वियसली
वी एस कोड मेरा कहाँ गया, मेरा वी एस कोड ये रहा, ठीक है, वी एस कोड में मैं अपने ले आता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ कि यार कर्सर डॉट पी एन जी, मैंने इसका नाम रख दिया, कोई भी नाम रख सकता था मैं इसका, नाम मैटर नहीं करता। और मैं यहाँ पे आके अब क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यू आर एल और मैं कहता हूँ इसको कि यार कर्सर डॉट पी एन जी, सही है, देखते हैं अब क्या होता है, क्या होगा वैसे बाय द वे, कोई गैस कर सकता है? क्या होगा? इतना बड़ा सा कर्सर आएगा? हाँ अच्छा, वो आया नहीं, कुछ हमने गड़बड़ कर दी है, नहीं नहीं रिफ्रेश भी कर दिया, आया नहीं है वो, सही तो है, डॉट स्लैश कर्सर डॉट पी एन जी, सही तो लगाया। ओके अच्छा, इन्होंने जिफ दिया है, शायद ये सिर्फ जिफ को एक्सेप्ट करता हो, आई एम नॉट श्योर, सही है, शायद ये सिर्फ जिफ को एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। जिफ में कन्वर्ट कर लेते हैं हम इसको, ठीक है। ये मैंने कोई कन्वर्टर डाउनलोड किया था और इसमें मैंने कहा कि यार क्या बस स्टार्ट और जिफ बना तो दिया इसमें, आ जाओ इस जिफ को उठा लेते हैं अब यहाँ से, और हम इस जिफ को अब लगाने की कोशिश करते हैं। कर्सर डॉट जिफ, ठीक है जी, कर्सर डॉट जिफ, असल में वो इमेज जो है ना साइज़ में बहुत बड़ी है, शायद वो इस वजह से नहीं उठा रहा, ठीक है, कर्सर के लिए, कर्सर तो इतू सा होता है, जा रहे हैं चले। हाँ नहीं, इसको हम छोटा कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले तुम लोगों से एक सवाल है, अभी शेर खान साहब तो चले गए, दोबारा आते हैं, छोटा ही उठा लेते हैं, कोई छोटे साइज वाली कोई इमेज उठा लेते हैं, सही है। ये बताओ मुझे, ये नीचे जो इसके लकीरें इससे क्या होता है, कौन बताएगा ये? जो ये नीचे इसके लकीर है इससे क्या होता है? चलो तुम लोगों को मैंने एक काम पे लगा दिया, इसका मैं अब साइज़ यहाँ डिफाइन कर देता हूँ इतनी देर में, बेटा आईजीआई में ये चीज़ें फिर होती नहीं है, आईजीआई में ये चीज़ें जस्ट प्लेस होल्डर होती हैं, कुछ भी नहीं होता इससे, आइकन्स मुझे चाहिए ना, मैंने आइकन्स यहाँ पे बता दिया, हाँ भाई ये आ गया। उसकी दूरी का अंदाज़ा लगाते हैं, बिल्कुल सही, जो जब इसको तुम लोगों को बता देता हूँ, फौजियों को, फौजियों ने तो बता दिया, बिल्कुल सही। यहाँ पे ना ये असल में क्या होता है, रेफरेंस के लिए होता है, मिसाल के तौर पे अभी इसमें कोई अच्छा वाला आएगा ना, जब इसमें कोई अच्छा वाला अभी दिख नहीं रहा, आरपीजी वाले में, हाँ चलो ये लो, ये देख रहे हो इसमें GTA 5 का ही? ये रहा, ये वाला ढूंढ रहा था मैं, ये जो है ना ये बिगनर्स के लिए सबसे सही ये वाला होता है ना, इसमें सही समझ आता है बच्चों को। इसमें ये होता है कि भाई अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ पूरा आ रहा है इतने पे, ये अगर दिस इज अगर 6 feet तो इधर मारोगे तो इधर ही लगेगा, फिर पहले से ज़ीरो करते हैं हम उसको, पहले से ज़ीरो करते हैं, और इधर 6 feet का जब ऑब्जेक्ट होता है ना तो हम पहले
जो अपना कर्सर होता है ना, कर्सर को थोड़ा इधर करके बंदा नापते हैं। अगर बंदे का सर इधर है और पैर इधर है, इतने में बंदा पूरा आ रहा है, तो हम कहते हैं यार हमारा निब बिल्कुल निब पे रख के मारेंगे तो सेट लगेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे ये ज़ीरो पहला स्टेप है, ये इस पर ज़ीरो कर देते हैं, हम कड़क कर देते हैं। अगर तो बंदा हमारा ना इसमें पूरा नहीं आ रहा, यानी और दूर है बंदा, तो हम कहते हैं फिर इस पर पूरा आ रहा है अगर बंदा, तो फिर हम हमारे पास ये एक दो तीन चार स्टेप है ना जो, तो हम सेकंड वाले पे रख के मारेंगे, क्योंकि ड्रॉप होगी, बुलेट ड्रॉप होगी ज़रा, क्योंकि बंदा दूर है, जिस पे हमने जितने पे ज़ीरो किया था उससे और नीचे हो जाएगी बुलेट। फिर अगर तीसरे पे आ रहा है तो तीसरे पे, चौथे पे आ रहा है चौथे पे, लेकिन चारों पे ज़ीरो करना पड़ता है अलग अलग, और ये बहुत मुश्किल काम है और ये बहुत मुश्किल काम है ये हर, वो तो फिर उसके लिए वो हवा को चेक करने के लिए अलग डिवाइसेज होती हैं, उसकी कैलकुलेशन होती है, उसको फिर थोड़ा इधर कर देते हैं। अगर हवा राइट चल रही है ना तो उसको थोड़ा लेफ़्ट कर देते हैं। तुमने वो नॉब्स नहीं देखी इस, हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, स्कोप की जो नॉब्स होती है ना, ये देख रहे हो, ये टॉप वाला जो है वो टॉप बॉटम को देख रहा होता है, ये साइड वाला जो है वो राइट लेफ्ट कर रहा, बारल मतलब बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये, इतना इजी नहीं है। तो हम ज़रा घुमा के ना उसको, हम अगर हवा इधर चल रही है, अगर कैलकुलेशन होती है उसकी, मैथ्स होती हैं सारी, स्नाइपर बनना सारा मैथ है, तो हम उसको ज़रा लेफ़्ट राइट कर देते हैं बस। ये यार कभी चला ही नहीं है, शेर खान साहब लेके ही नहीं जाते अभी, क्या करें। ये देख रहे हो सिक्के से इन्होंने बनाया हुआ होता है, ऐसा होता है सिक्के से इसको टाइट करो, और इसमें मतलब ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब ज़रा बाहर खींच के और सिक्योरिटी के साथ होता है, गलती से नहीं हिलेगा ये, जब स्नाइपर बंदा इसको घुमाएगा जब ही घूमेगा ये, तो मतलब मूवीज़ में तो तुम लोग देखते हो ना ऐसे करके टक किया टक गिर गया बंदा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है ये। इवन अगर IGI वगैरह में भी क्या होता है कि मतलब 8x का स्कोप लिया हुआ है और 8x पे भी वो बिल्कुल पॉइंट पे लगता है जाके, रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता है रियल लाइफ में बुलेट ड्रॉप होती है भाई। और ऊपर मज़े की बात ये कि जो है ना, अगर तो आपका तो अगर बंदा दूर है तो बुलेट ड्रॉप होगी, और अगर करीब है उससे वो, तो फिर भी क्या होगा, फिर भी बुलेट ड्रॉप होगी, क्योंकि बुलेट नीचे से निकलती है, प्रोजेक्टाइल बनता है उसका, पहले नीचे फिर ऊपर फिर दोबारा नीचे, तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। यानी इस जगह पे ये जब ही लगेगी जाके, जब बंदा बिल्कुल इसके बराबर होगा, अगर बंदा इससे बड़ा आ रहा है, यानी इधर सर आ रहा है बंदे का और इधर पैर आ रहा है, तो भी फिर हम सेकंड वाले पे रख के मारेंगे, वो पहले से कैलकुलेटेड होता है। इसको मतलब रेंज में जाके ना पूरा टेस्ट करते हैं पहले। वेल आ जाओ भाई दोबारा, साइज़ बस यार कोई ले के ही नहीं जाता, कराता ही नहीं है कोई कोर्स अरे कैसे इसमें आइकन कैसे आएगा, ये तो सारे बड़े साइज़ के दिखा रहा है, 256x256 दिखा रहा है। एक काम करते हैं यार, इसी को ना हम ज़रा छोटा करने की कोशिश करते हैं, कन्वर्टर के अंदर कोई ऑप्शन ऐसा होगा कि जिससे ये छोटा हो जाए। ये तो क्रॉप का बोल रहे हैं, हाँ विर्थ इसको हम कर देते हैं। हाँ यार विर्थ छोटा करने का ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको कहता हूँ कि यार 20x20 कर दो, सही है। आई एम नॉट श्योर कि इसका जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो क्या होता है, वो गूगल से हम देख सकते हैं, स्टैंडर्ड साइज़ कोई होता होगा कर्सर का ना, कि कर्सर का इतना विर्थ और इतनी हाइट है। नहीं पहले वो दिखना शुरू हो जाए फिर उसके बाद चेक करेंगे। अब ये क्या हो गया इसको ये क्या हो गया इसका नहीं नहीं मेरे पास अपने कंप्यूटर में भी है ना एक, वो इसको मैं ज़रा कंप्यूटर में जो है ना मेरे, उससे मैं इसको रिसाइज़ करता हूँ, उससे मैं इसको कैसे रिसाइज़ करूँगा। हाँ फ़ोटो पी से कर लेते हैं ना, वो तो सबसे स्टैंडर्ड टूल है यार, क्यों नहीं कर रहे हम उससे फ़ोटो पी। बस कभी कभी यार छोटा सा मसला ना, देखो कितना लंबा हो रहा है टक टक के जेफ को उठाया। यार ये पढ़ सकती है, बहुत रेयर केसेस में पढ़ती है, लेकिन पढ़ सकती है। इमेज और कैनवस साइज़,
20 पिक्सल बाई 20 पिक्सल। अरे ये क्या हो गया, इमेज साइज चेंज करना था, मैंने कैनवास साइज कर दिया। चलो अभी इतने को करते हैं ज़रा, इतने को हम करते हैं, बाकी दोनों को हम कर देते हैं डिलीट। सही है, बाकी दोनों को मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ इसको रखा है और इसको कंट्रोल एस दबा दिया, सेव चेंजेस। और अब इसको हम लगाने की कोशिश करते हैं अल्टीमेटली। इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है, वो मैं सही है। क्यू आर एस ओ आर कर्सर डॉट जिफ आ जाओ भाई, अब ज़रा इसको ट्राई मारते हैं। अबे भाई नहीं लग रहा ये तो, क्या इसने यार इधर कोई एरर तो नहीं दे रहा, ज़रा देख लेता हूँ। तो ये डिटेक्ट ही नहीं कर रहा, क्या सीन है। इसको भाई पता ही नहीं लग रहा, इसको पता ही नहीं लग रहा कि यहाँ पे मेरे पास कोई इमेज, क्योंकि ये इमेज इसने डाउनलोड तो करनी थी ना यहाँ पे, यहाँ पे ये शो होता है कि भाई ये इमेज लोड हुई है। अच्छा अगर मैं इसको लाइव सर्वर पे चलाऊँ, मे बी ये वाला इशू भी कभी कभी हो जाता है कि कुछ चीज़ें ना वो ज़रा लोकल फाइल पे चल रही नहीं होती हैं। अरे भाई इस पर भी नहीं चल रहा है तो। अच्छा नहीं कभी भी नहीं उठाया इसने। अच्छा तो अब हम क्या करते हैं, ज़रा अपने इस मामले को गूगल करते हैं कि भाई कर्सर इमेज इज़ नॉट वर्किंग, तो फिर देखते हैं लोगों ने कैसे बताया भाई। कर्सर इमेज इज़ नॉट वर्किंग लगा देता हूँ मैं। सही है भाई, कस्टम कर्सर डज नॉट वर्क इन गूगल क्रोम, बिल्कुल हमारा वाला सवाल है कि जी ये तो नहीं चल रहा, अब क्या करें। क्रॉस ओरिजिन पॉलिसी ऑफ द ब्राउजर हैव सिक्योरिटी इश्यूज रीजन दिस दिस दिस। अच्छा ये कह रहा है कि यार बेस 64 में लगाया हुआ है सब लोगों ने। इसमें मैं साथ में मेंशन कर देता हूँ कि लोकल कर्सर इमेज नॉट वर्किंग, लोकल कर्सर इमेज में देखते हैं क्या बताया हुआ लोगों ने। कस्टम कर्सर प्रॉब्लम, अच्छा हाँ इसने देखो लोकल इमेज लगाई हुई है, तो अब यहाँ देखते हैं कि क्या इशू है। सॉल्यूशन तो इसने ये बोल दिया, अच्छा इसको इसने बोला है कि भाई सही आंसर है। इसने क्या बात की है, कह रहा है सी एस एस इज़ फाइन देयर फॉर आई कैन ओनली इमेजिन इफ द वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम द प्लेन पी एन जी इमेज इज़ नॉट द सेम फोल्डर एज योर एच टी एम एल फाइल। अच्छा द प्लेन इमेज इज़ लार्जर देन 32x32, देखो 32x32 इसका साइज़ है, फिक्स है। यू हैव नॉट इनक्लोज्ड योर सी एस एस स्टाइल टैग और यू डोंट हैव एनी कॉन्टेंट विद इन योर बॉडी देयर फॉर टैग। अच्छा तो 32x32 का बनाते हैं, अब की बार हमने 20x20 का बना दिया था ना, छोटे होने पे हाँ इशू नहीं आना चाहिए, वैसे बात तो सही है छोटे होने पे इशू नहीं आना चाहिए। अच्छा मैं ये देख लूँ ज़रा, मैं सही लगा रहा हूँ ना, एक दफ़ा इस पर ज़रा लोडिंग लगा के देख लेते हैं। अरे ये क्या हो गया, कर्सर पे तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा वेट था ना, वो लोड नहीं था, वेट था वो। अच्छा मैं वेट लगाता हूँ तो वेट फ़ौरन आ जाता है, और फिर मैं उसी की जगह पे URL लगाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि .cursor.gif, तो ये नहीं आता, ये नहीं आता यार, ये क्या चक्कर है, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा है ये इस फोल्डर के अंदर ही, बिल्कुल सही है।
इमेज भी है ये, सही है। बस एक लास्ट चीज़ मुझे यही लग रही है कि 32x32 नहीं है ये, बत्तीस बाई बत्तीस करते हैं इसको ज़रा। हाँ ठीक है, इसको ज़रा एक्सपोर्ट एज भी करते हैं और एज अ जिफ करते हैं यहाँ से। हो सकता है वो जिफ का कन्वर्टर हमने यूज़ किया होगा उसके कोई मसला होगा। सेव, सही है। ये हमने ज़रा इसको एक 32x32 यहाँ पे बना दिया ज़रा। abc.gif सही है। अब एक ट्राई मारते हैं। भाई नाम नहीं ले रहा ये चलने का, ये बिल्कुल भी चलने का नाम नहीं ले रहा। और ना ही इसमें कोई एरर आ रहा है। अच्छा, अगर हम इस कार्ड पे लगाने के बजाय इसको हम अगर किसी और चीज़ पे लगाएं, मिसाल के तौर पे हम पूरी बॉडी पे अगर लगा दें, सही है, जस्ट टू ट्राई कि अगर मैं पूरी बॉडी पे इसको लगा दूं कि भाई बॉडी पे किसी भी जगह जाए और कर्सर यही वाला आना चाहिए, तो क्या फिर ये काम करता है? नहीं, फिर भी ये काम नहीं करता। रिफ्रेश कर दिया मैंने इसको। रिफ्रेश कर दिया मैंने। अच्छा, अब इस आंसर के अंदर कुछ लोगों ने ज़रा ये भी बताया हुआ है कि जैसे एक रिमोट URL बताया हुआ है किसी ने, तो मैं काम करता हूँ इस रिमोट URL को ज़रा लगा के देखता हूँ कि आया कि ये रिमोट URL इस पर मतलब लगा देता हूँ मैं तो फिर काम करता है ये। हो सकता है मेरी इमेज में कोई ऐसा इशू हो, है ना, ये एक रिमोट इमेज का URL है, ये चल रहा है, तो उसका मतलब है मेरी इमेज में कोई शायद इशू था, इस वजह से वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ये एक PNG इमेज है। अच्छा, फिर हम अब क्या करते हैं, इसी PNG इमेज को ज़रा डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, कि ये PNG इमेज को अच्छी इमेज है तो पता नहीं, शायद इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, और कंट्रोल एस दबा के मैं इसको सेव कर लेता हूँ डाउनलोड्स के अंदर। और अब मैं इस इमेज को लोकली लगाने की कोशिश करता हूँ, लोकली, सही है। इस इमेज को मैं कहता हूँ कि यार कहाँ गया था ये, डाउनलोड में गया था ना, ये है वो इमेज। अच्छा, इसका साइज़ 32x32 ही है, सही है, जो हमारे का था 32x32 ही इसका साइज़ है, और हमारा वाला जो है उसका भी साइज़ क्या है, 32x32 है। रेजोल्यूशन नहीं आ रही हमारे वाले में, रेजोल्यूशन हमारे पास मिसिंग आ रही है, शायद मे भी इस वजह से हो सकता है। वेल, आ जाते हैं जी, इस वाले को कर लेते हैं, और मैं इसको नाम दे देता हूँ new.png का, और मैं यहाँ पे आके इसको बोलता हूँ कि यार new.png, सही है जी, ये मैं कह देता हूँ new.png। रिफ्रेश करता हूँ, ये सही चल रहा है। अच्छा, ये पॉइंटर जो ये फॉल बैक है इसका, असल में अगर ये नहीं मिला तो वो पॉइंटर लगा दे। इसको मैं हटाता हूँ और अब मैं देखता हूँ, ओ फॉल बैक लगाना ज़रूरी है इसके साथ, ये मसला था, हम कॉमा डाल के पॉइंटर नहीं लगा रहे थे। अब हम लगाते हैं अपना वाला वापस, इसको मैं रोक देता हूँ अब, और अब अपना वाला लगाते हैं हम, ये मसला था भाई, सही है, हम पागल हो गए कि यार ये क्या हो गया, cursor.png ले। और बात सही है यार, ये कि अगर इमेज लगा रहा हूँ मैं, अगर मैं इमेज लगा रहा हूँ तो वो इमेज है क्या, पॉइंटर है, क्योंकि कल को अगर कोई किसी जगह पे ये स्टाइलिंग लगी हुई है कि इसको क्या करना है, इसको बनाना है आई बीम यानी कि टेक्स्ट, तो ज़ाहिर उसको पता होना चाहिए ना कि ये इमेज है क्या। ये इमेज अगर ऑलरेडी टेक्स्ट है तो उसको चेंज नहीं करेगा वो, अगर वो पॉइंटर है तो उसको चेंज करेगा, तो ये बात तो मेक सेंस है, लेकिन बुक में ये लिखा हुआ क्यों नहीं था इन्होंने यार। अच्छा, मेरे वाले पे ये स्टिल काम नहीं कर रहा, cursor.gif पे ये काम नहीं कर रहा,
abc.gif पे, अरे का चल गया abc.gif पे, ये चल गया भाई, सही है। ये क्या हुआ, अभी चला था अभी बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ ये। कर्सर डॉट जिफ पे चला था ये, हाँ कर्सर डॉट जिफ पे चला ये। कर्सर डॉट जिफ की क्या रेजोल्यूशन थी? अच्छा रेजोल्यूशन तो मुझे यहाँ से पता लगेगी नहीं। ए बी सी डॉट जिफ को बहरहाल मैं डिलीट कर रहा हूँ, और कर्सर डॉट जिफ जो है मेरा, इसको मैं ज़रा फाइंडर में खोल के देखता हूँ कि ये क्या है। कर्सर डॉट जिफ जो है वो 20 पिक्सल बाई 20 पिक्सल का, और ए बी सी डॉट जिफ जो है वो क्या है, ये 32 बाई 32 का है। तो असूलन तो 32 वाले को चलना चाहिए, 32 वाला क्यों नहीं चल रहा, 32 वाले को चलाएंगे अब, सही है। 32 वाला जो है मेरा वो ए बी सी डॉट जिफ है, तो 32 वाला चलेगा, चल रहा है 32 वाला भी। बीच में वो गायब अचानक पता नहीं क्यों हुआ था, अब तो रिफ्रेश कर रहा हूँ तो चल रहा है। और क्या होता है, मैं जैसे ही इसको टेक्स्ट पे लेके जाता हूँ तो ये चेंज नहीं, अच्छा वंस ये चेंज होता है तो ये वापस नहीं आता, फिर रिफ्रेश करता हूँ तो फिर आ जाता है, आ गया। तो वो असल में चेंज हो रहा है ना, तो वापस नहीं आ रहा वो। अगर किसी मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक लिंक लगाता हूँ, और वो लिंक पे अगर लेके जाता हूँ इस कर्सर को, मैं कहता हूँ कि यार https://google.com, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ गूगल, तो अब मेरे कर्सर को जब मैं इस पे लेके जाता हूँ तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है। अच्छा वापस यहाँ से तो आ रहा है, यहाँ तो वापस आ जा रहा है, इधर लेके जाता हूँ तो क्यों नहीं आता, इधर लेके जाता हूँ और वापस नहीं आता ये। इस वाले पैराग्राफ पे लेके जाने से फिर ये चेंज हो जाता है पॉइंटर में, और ये वापस नहीं आता। अब ये पता नहीं क्यों नहीं आता, ये हमने शायद अपने इसके ऊपर ना कोई स्पेशल किस्म की कोई चीज़ लगाई हुई है, इसके ऊपर हमने कुछ ऐसी चीज़ लगाई हुई है कि जो है ना ये, अच्छा कुछ भी नहीं लगाया हुआ उस पर हमने, बैकग्राउंड बॉक्स शेडो बस यही लगा हुआ है इस पर, तो और कुछ भी नहीं है। वेल तो ये हमने देखा, अच्छा अब हमने लास्ट काम क्या करना था कि इस डब्बे पे आए तो ही चले, वो तो पूरे बॉडी में तो टेस्टिंग के लिए लगाया था ना, तो अब ज़रा हम करते हैं कि यार इस के ऊपर आए ना जब ही चले सिर्फ। तो मैं कहता हूँ कि यार डॉट कार्ड, कि भाई कार्ड के ऊपर जब जाए ना जब चले, ऐसे नहीं चले, सही है। हाँ अब ये हो गया, कार्ड पे जाता है तो ये आ जाता है, ऐसे आ जाता है। अच्छा अब इसमें ना कर्सर की जो ये इमेज मैंने ख़ुद से बना दी है, इस इमेज में बहुत सारी चीज़ों का मैंने ख्याल नहीं रखा है। वो बहुत सारी चीज़ों का जो ख्याल है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये कर्सर जो है ना, पहले तो ये असल में तो ये एरो ही है ना इंटरनली, तो एरो का जो मुंह है वो क्या है, इसके दरमियान में या इसके साइड पर है? उसका जवाब ये है कि अभी इसके साइड पर है वो, ठीक है अभी इसके वो साइड पर है, हाँ एरो के वो साइड पर है। अब वो दरमियान में ऐसे आएगा कि जो मेरी इमेज होगी ना, असल में मेरी इमेज जो है वो एक तरफ से थोड़ी खाली होगी, एक तरफ से मतलब इसको मैं कैसे बताऊंगा ड्रॉ करके, अब मुझे उसको दरमियान में लाने के लिए, चल भाई जल्दी खुल जा, सो मच टाइम। अब मेरे पास अगर इमेजिन करो कि ये कर्सर है, सही है, तो अभी जो मैंने इमेज लगाई है ना वो असल में वो इमेज कुछ इस तरह से है इस वक्त, और वो ऐसे है, तो कर्सर असल में साइड में, तो मुझे क्या करना होगा, इमेज अपनी जो है वो थोड़ी सी बड़ी रखनी होगी, इमेज मेरी सही है, इमेज मुझे थोड़ी सी अपनी इस तरह की लेनी होगी कुछ, इमेज यानी स्क्वायर होती है ना असल, तो इमेज स्क्वायर होती है, तो मेरी इमेज असल में क्या होगी, कुछ इस तरह की होगी, सही है। मैं ऐसा बनाऊंगा अपनी इमेज को कि ऑटोमेटिकली जो है ना मेरा जो, यानी जो मेरा जो प्लस है वो
अभी अभी भी खैर प्लस मेरा बिल्कुल सही जगह पे नहीं पहुंचा है, लेकिन समहाउ मैं अपने प्लस को मैं इधर पहुंचाऊंगा, इधर जो इसका असल मुंह है कर्सर का, ठीक है। अब वो कैसे होता है, उसके लिए छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स लोगों ने बनाए हुए हैं, छोटी छोटी ऐप्स उसके लिए बनाई हुई हैं, ठीक है। जैसे कि फॉन्ट को बनाने के लिए हमने देखा था ना, फॉन्ट को बनाने के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिससे आप फॉन्ट बनाते हैं, ठीक है। उसमें नंबर वन जो है वो कॉरल ड्रॉ है, कॉरल ड्रॉ के ऊपर फॉन्ट्स बना सकते हैं खुद के, ठीक है। एक एक कैरेक्टर का आप वेक्टर बनाते हैं पूरा और उसको एक एक करते हैं आप। तो इसी तरह ये कर्सर का जो बनाने का ना, इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। उसके ज़रिए आप इसको बनाएंगे ना तो बिल्कुल सही बनता है वो, ठीक है। अभी मेरे शुरू में जहन में नहीं आया, वरना मैं उसी से बनाता। जनरेट कर्सर इमेज करूँगा ना मैं, ये रहा कर्सर एडिटर आ गया। ये मेरे जहन में नहीं आया शुरू में, ये देख रहे हैं आप, इन्होंने ना पूरा ये ऐसे करके बनाया हुआ है। ये 32x32 का बॉक्स है एक्चुअली, कर्सर जो होता है वो 32x32 का क्या होता है, बॉक्स होता है। अब मैं मिसाल के तौर पे मुझे अगर वो वाली चीज़ बनानी है ना, जो प्लस वाली, ठीक है, मुझे ऐसी चीज़ बनानी है ना, ऐसी वाली, तो मैं क्या करूँगा, उस इमेज को ला के इसके ऊपर रखूँगा। अब तो ये इतना अच्छा एडिटर नहीं है एक्चुअली, मैं क्या करूँगा उसको बनाना शुरू करूँगा। मिसाल के तौर पर ऐसे बनाऊँगा, यूँ ऐसे बनाऊँगा पूरा, सही, ये गोल बनता जा रहा है कर्सर, सही है। और क्लिक इसका यहाँ पर है ना, तो मैं क्लिक को उठा के क्या करूँगा, इधर भी ला सकता हूँ, सही है। क्लिक को दरमियान में लाने का कोई होगा इसमें ऑप्शन, हॉट स्पॉट वेयर द माउस क्लिक, ये रहा, इधर करें माउस क्लिक, ये मैंने इसको बता दिया, माउस क्लिक इधर करें अब, सही है। और मैं इसको ज़रा गोल करता हूँ, ये मैंने पूरा गोल कर दिया, ये इसका एडिटर है इसको बनाने का। फिर मैंने दरमियान में ये प्लस लगा दिया ऐसे, सही है। और मैंने क्या कर दिया, डाउनलोड कर दिया। डाउनलोड कैसे होगा, ये लार्जर एरिया, अच्छा यही यही है डाउनलोड, यही है। तो इसने ना मुझे ये 32x32 का ये कर्सर मुझे बना के दे दिया, ठीक है। इसका फॉर्मेट भी देखें, CUR इसका फॉर्मेट मिला है मुझे। अगर इसको मैं खोलता हूँ, इसको मैं खोलता हूँ तो मुझे इस तरह की एक फ़ाइल मिलती है, ये इमेज फाइल है एक्चुअली। अब मैं इसको आके अगर अपने पास लगाता हूँ ना, तो यहाँ पे मुझे वही वाली चीज़ दिख जाएगी, .cur, ठीक है, cursor.cur। अच्छा, ये cursor.cur वो फाइल है जो अगर मैं अपने सिस्टम की सेटिंग खोलता हूँ ना, तो वहाँ पे भी जब मैं रिप्लेस मारता हूँ तो ये फ़ाइल वहाँ लग सकती है, ठीक है। आ जाते हैं, CUR फाइल अब मैंने लगा दी है, देखते हैं कि क्या रिपोर्ट मिली है मुझे, सही है। देखो मुझे कुछ इस तरह की जो मैंने बनाई थी ना चीज़, वो मिल गई। लेकिन अब की बार जो मेरा क्लिक है वो कहाँ है, बिल्कुल दरमियान में है वो, सही है, बिल्कुल दरमियान में। और जहाँ पर मैं क्लिक करूँगा वो दरमियान में करेगा क्लिक, ठीक है। अब मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकता इस वक्त, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो ड्रॉ कर सकूँ मैं, कि क्लिक करके देखूँ एग्जैक्टली किस पॉइंट पे क्लिक हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैंने CUR फाइल वहाँ से बना के लगाई है ना, तो होपफुली सही क्लिक हो रहा होगा, सही है। तो एक्चुअली क्या कर सकता हूँ मैं ये कर सकता हूँ कि मेरा जो ये वाली इमेज थी ना, ये वाली, इस इमेज को क्या करूँगा, उधर रख के मैं ट्रेस करूँगा, तो कुछ इस तरह से ये मेरे पास ट्रेस हो जाएगी, ठीक है। इस इमेज को भी मैं CUR फाइल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, और इसके बाकायदा एडिटर्स हैं। मैंने जो एडिटर खोला था वो ऐसे ही था फारिग, लेकिन इससे अच्छे एडिटर्स भी मौजूद हैं जिससे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे ब्यूटीफुल एनिमेटेड कर्सर, सही है, ग्रेडियंट कर्सर आप बना सकते हैं बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, एक ये वाली नो हाउ आ गई है कि कर्सर क्या होते हैं, कर्सर का डिज़ाइन हमने समझा कि किस चीज़ पर क्या कर्सर आता है और वो क्यों आता है, थोड़ा सा देखा हमने, मज़ीद आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा, हमने कर्सर को चेंज करना सीखा जो प्री डिफाइंड है उनमें से, और कर्सर की इमेज को लगाना सीखा, कर्सर की इमेज को बनाना सीखा हमने, सही है। इंशाल्लाह आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, बाद में मुलाकात होगी अगली क्लास में, और यहीं से हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।